चलें आप बोलें शाइना दोबारा से। अच्छा सर, मैं ये कह रही थी कि मैंने जो अपना लास्ट ईयर 2021 में सितंबर में जो है वो अपना बीएस केमिस्ट्री कंप्लीट किए हैं। उसके बाद मैंने एमफिल में एडमिशन लिया है और मशहूर ज़माना टेस्ट मैंने भी दिया है सब इंस्पेक्टर का, जो कि मैंने इसकी तैयारी जो थी वो 2 मंथ्स की थी। और उसमें जो था ये 15 डेज का मेरा गैप था, क्योंकि मेरे इधर पेपर वगैरह हो रहे थे। तो सब इंस्पेक्टर का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन मेरे जो था 54 मार्क्स आए। और इस हवाले से मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी करना है कि सर, जब हम लोग टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं तो इसके जो प्रायर जो एनालिसिस था वो यही था कि हमारे जो मेरिट था वो 40-50 इसके दरमियान रहेगा। तो मैंने जो अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वो 70 किए थे, मैंने इससे ज़्यादा नहीं किए थे। और उसमें से मेरे जो हैं वो 58 तकरीबन ठीक हुए, और जिसमें से जो नेगेटिव मार्किंग निकली वो हमारे पास 54 मार्क्स आ गए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें जो है वो क्वेश्चंस 100 by 100 अटेम्प्ट करने चाहिए, या फिर हमें जो आता है हम सिर्फ उसी के साथ जाएं। एक तो ये मेरा ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन, मैंने जो इस सेशन को ज्वाइन करने की जो रीज़न है वो ये है कि हाँ, केमिस्ट्री जो भी साइंस की फील्ड है उसमें सर जो कंपटीशन है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि अभी हमारे यहाँ एक पोस्ट निकली थी लेक्चरर की BSA 18 की, और मे बी यू वोंट बिलीव, देर वर 67 PhD होल्डर्स दैट हैव अप्लाइड ऑन दैट पोस्ट। तो हम जैसे जो न्यूली स्कॉलर्स निकलते हैं एमफिल करके, उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो इस तरह से जाएं, क्योंकि जब आपसे पहले PhD वाला बंदा बैठा है तो ये आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप जाके वहाँ पे मार्केट में अपनी जो है प्लेस बनाएं। तो जब मैंने ये एमफिल स्टार्ट किया तो उसके बाद मैंने आपके कुछ वीडियोस वगैरह देखी, जिससे मुझे बड़ा एक अंदाज़ा अंदाज़ा भी हुआ और एक अच्छा भी लगा कि ये वाली जो एक फील्ड है, ये वाला जो एक पाथ है वो ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग जो है वो लेक्चरशिप की तरफ या एक जो है उसी वे में जो है अपने आप को जो है वो एक कन्फाइन कर लें। तो इस वजह से मैंने एक सेशन भी ज्वाइन किया। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये भी है कि जब हमारा ये 4 मंथ्स का सेशन चलेगा तो क्या सर हमारे पास 4 मंथ्स के बाद जो है वो लेक्चर की एक्सेस होगी या नहीं? तो ये मेरे दो काइंडली क्वेश्चंस हैं एंड बस। अच्छा, पहला आपका पेपर अटेम्प्ट के हवाले से सवाल है, जी जी और सर दूसरा वो जो आप कह रही हैं कि बड़ी डाइवर्स फील्ड है जो है ये वन पेपर की, ठीक है। तो और तीसरे नंबर पर आपने कहा कि 4 मंथ के बाद भी होगी एक्सेस के, नहीं? जी सर और इसके बाद सर मेरी एक सजेशन भी है इस सेशन के हवाले से, वो ये है कि मुझे नहीं पता कि ये इंक्लूड है कि नहीं है, लेकिन मेरा ये है कि जब हम लोग थोड़ा सा इन फ्लो में आए चीज़ों के 2 या 3 मंथ्स के बाद, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग जो है वो इंटरव्यू की आप थोड़ी सी अभी जैसे कहते हैं ना तैयारी, तो हम लोग उसके डे 1 से शुरू हो जाएगी, आपके लेक्चर 1 से शुरू हो जाएगी, लेकिन मेरा ये कि हम लोग कुछ मतलब 15 डेज के बाद एक ऐसी क्लास रखें जिसको हम स्पेसिफिकली इंटरव्यूज के हवाले से ही उसको हम लेके चलें। ये अच्छा, मेरा एक सजेशन है। सही। बस सर चलो, इंटरव्यू के हवाले से भी आपने पूछा, जी ठीक। जी शायना जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपका ये, मैं सवालों के जवाब देने से पहले ना, ये अब मैं एक बात आप लोगों को बताऊं, ये आज की जो क्लास है ना, या अभी 15 तक, क्योंकि मैंने कहा है कि सेशन की क्लास, ये 15 तक हमारे, बार बार कहता हूँ, मैंने काफी बार कह दिया कि हमारे जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्लास यही हो रही है, क्योंकि इसमें ना अब आप लोगों के ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो मैंने आंसर कर दिए हैं। आज भी क्वेश्चन थोड़े बहुत आंसर कर दूंगा। अब हम चले जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि मेरे साथ किस तरह के लोग जुड़े होते हैं, यानी बहुत सारे कैंडिडेट्स की आप लोगों ने बात सुनी होगी। कुछ कह रहे हैं हमारे 83 थे PPSC में, कुछ कह रहे हैं कि हमारे 81 आ जाते हैं, कोई कह रहे हैं हमारे 5-7 टेस्ट क्लियर हो जाते हैं, कोई कह रहे हैं, यानी इतने अच्छे लोग अगर मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसका मतलब वो एक्सपीरियंस है। 2016 से तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ रहे हैं, ठीक है जी, 2015 से तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मेरे पास कुछ ना कुछ है जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, मैं इस कुछ ना कुछ को बेहतर करना चाहता हूँ मजीद, यानी, और इसके लिए मैं उन तमाम लोगों की मैं ना हेल्प लेना चाहता हूँ जो न्यू बच्चे हैं। उन वो तो मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकेंगे इस रिगार्ड में, तो लेकिन जो लोग जो है ना ये 2016 से तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास टेस्ट का बड़ा एक्सपीरियंस है, और जो बड़ा, तो हम ना इस ये जो 4-5 दिन कर रहे हैं काम, हम इसमें क्या करते हैं, मैंने ना चौथे तीसरे सेशन को एक कोर्स आउटलाइन पढ़ाई थी, वो मेरे पास पड़ी है पूरी की पूरी, उसके नोट्स भी पढ़े हैं मैंने, फिर उसके अंदर कुछ एडिशन की, एडिशन करके मैंने फोर्थ सेशन को फिर एक पढ़ाया लेक्चर,
और जो है उसकी भी मैंने एक कोर्स आउटलाइन भी बनवाई, उसके भी नोट्स वगैरह सारा कुछ, VIP हर चीज, ठीक है जी। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट के वाले से बात करूं, ऐसी बात नहीं है, वो लोग भी यानी मेहनत कर रहे हैं और उनके भी टेस्ट वगैरह क्लियर हो रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में हो रहे हैं क्लियर, उनकी फाइनल रिकमेंडेशंस भी हो रही हैं। और जो है ना तीसरे नंबर पर, अब मैं ये वाला सेशन, अब इस सेशन में ना मैं ये काम ना आप लोगों को साथ इंक्लूड करके कर रहा हूँ कि यार ये देखो यार ये है मेरी कोर्स आउटलाइन जो मैं इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप लोग जरा एक्टिव होके बैठो, जो लोग PMS की तैयारी कर रहे हैं GK की, और जो लोग जो है एक्सपीरियंस हैं, टेस्ट देते हैं डिफरेंट एरियाज का, उन्हें आइडिया है, वो जरा इस कोर्स आउटलाइन को जब मैं डिस्कस कर रहा हूँगा, हो सकता है कि एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट्स ही हम डिस्कस कर सके और 15 तक हमारा ये कंप्लीट हो, बल्कि 2-3 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट कर दूं। यानी आप लोगों ने ना एक्टिवली देखना है इसमें, और अगर इसमें कोई भी गलती है या इसकी तरतीब आपको कुछ इससे ज्यादा बेहतर लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि तरतीब के अतबार से तो मुझे कोई सुजेशन नहीं चाहिए आप लोगों से, हाँ कॉन्टेंट के अतबार से मुझे सुजेशन चाहिए। तरतीब तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन है, और वो एक उस्ताद की अपनी तरतीब ही होती है। हाँ आप लोग मुझे ये रेकमेंड करना कि सर इसमें ये चीज ऐड कर लें, क्योंकि जैसे मुझे लास्ट टाइम एक बच्चों ने कुछ क्वेश्चन वगैरह कहे कि सर हमें ना मिरर मिरर के ऊपर एक टॉपिक पढ़ा दें, ये कनकेव कन्वेक्स बड़ा आया होता है, वो मेरी एक बेसिक 1 बेसिक 2 और बेसिक 3 की वीडियो थी, मैंने फिर उसमें से उसको कट करके पार्ट दे दिया कि यार इसमें मैंने सारा बताया कि बेसिक जो है ना कन्वेक्स क्या होता है, कनकेव क्या होता है। तो इस तरह का मैं आप लोगों से ना वैल्यू ऐड चाह रहा हूँ कि आप लोग ना उस कोर्स आउटलाइन के अंदर वैल्यू ऐड करो, और ना उस कोर्स आउटलाइन को हम कम से कम 2-3 दिन के अंदर ना कंप्लीट कर लें, और बाकी वो बच्चे जिनको इतना बेचारों को नहीं पता, ताकि उनको भी पता चल जाए हाँ भाई ये हमें क्या पढ़ाने वाला है, ये हमें इस्लामियात में क्या पढ़ाने वाला है, ये हमें इंग्लिश में क्या पढ़ाने वाला है, और उस कोर्स आउटलाइन के ऊपर मोहर होगी। मेरी तो है, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 92 मार्क्स आए हैं PPSC में, मैंने एक सीट के ऊपर फाइनल रिकमेंडेशन ली है, ठीक है। आप लोगों को पता है मेरी मेरे अभी 2022 के अंदर मैं अभी 3 इंटरव्यूज देकर आया हूँ, ठीक है जी। यानी मेरा भी एक एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, ठीक है जी, और आप लोगों का भी कुछ एक्सपीरियंस है, तो हम दोनों, और मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मैंने यानी खड़े होकर 5-5, 6-6 घंटे पढ़ाने की मेरी रूटीन है, और आप लोग भी देख रहे हो, आपके साथ भी 3-3, 4-4 घंटे बैठ रहता हूँ और जो है पढ़ाता रहता हूँ, गाइड करता रहता हूँ, यानी मैं और भी लोगों से बात करता रहता हूँ, यानी 17-18 घंटे मेरे भी इसी प्रोसेस में गुजरते हैं। तो इस सारे तजर्बे से हम क्यों ना एक पहले जो है मैंने जो रोड मैप बनाया हुआ है, अगर आपको उसमें कोई कमी बेशी नजर आती है तो वो मुझे ओके कराओ, ठीक है जी। मैं आपके साथ चीजें शेयर करता जाऊंगा, आप चीजों को बड़े अच्छे तरीके से देखते जाना, उनको नोट डाउन करते जाना, और न्यू बच्चे भी नोट डाउन करते जाना, और नोट डाउन करने के साथ साथ जो है उसमें अगर आपको लगता है कि यार ये यहाँ पर यार ये टॉपिक मिस है, या यार इस टॉपिक को जो है ना सर एक दिन में ना पढ़ाओ, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, 8 घंटे का हो जाएगा लेक्चर, इसको 2 कर दो, ठीक है। अब देखो, अब अगर ये सेशन 5 महीने पे चला जाता है तो ये फिर आपकी किस्मत है, ठीक है जी। तो मैं 5 महीने में भी ले जाने का मेरा कोई वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, मैं फीस कोई बढ़ाऊंगा इसकी, ठीक है। तो 5 महीने में चला जाता है कोई मसला नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को डिलीवर करना, कि अगर 5 महीने भी लगते हैं लेकिन आपको ये पता हो कि यार यही है, यानी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप अभी मेरी मेहनत देख लोगे जो मैंने इतनी की है, जो मेरे बच्चों ने इतनी मेहनत की है, आप लोगों को अभी दिखाता हूँ मैं, तो आप देखोगे कि वाकई ही यार इंग्लिश के अंदर यही चीज है, कंप्यूटर के अंदर यही चीज है, मैथ के अंदर यही चीज है, इंग्लिश के लिए यही चीज है, और इस्लामियात के लिए यही चीज है, ज्योग्राफी के लिए यही चीज है, GK के लिए यही चीज है। आप मानोगे यार भाई इससे बाहर नहीं है, यानी इतना कॉन्टेंट यार हमने नहीं देखा, और इतना प्रिसाइज कॉन्टेंट हमने नहीं देखा, यानी आप ये, और उसमें मेरे लेक्चर आप लोगों के सामने, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाता ही वो हूँ जो रेलिवेंट होता है, सेक्रेटरी जनरल सार के सारे सारे नहीं पढ़ाता, सेक्रेटरी जनरल जी हमने पाकिस्तान की तरफ से 2 आए हैं बस वही पढ़ने हैं जी, ठीक है जी। और हमने जो है पहला अबू अल हसन है बांग्लादेश से वो पढ़ना है बस, OIC है इसका जो करंट है वो पढ़ना है, या पहला जो टिंकू अब्दुल रहमान था वो पढ़ना है, ठीक है जी। जो OIC मैं बात कर रहा हूँ कि कितना हम प्रीसाइज पढ़ते हैं, और ये प्रीसाइज पढ़ने की वजह क्या है, क्योंकि मैं हर पेपर को देखता हूँ, न्यू पैटर्न को देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है ना कि मैं कोई एक चीज भी रेलिवेंट पढ़ाता हूँ, यानी मैं कोई, मेरी कोशिश होती है कि कोई भी, अब लेकिन किसी चीज का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है, मैंने कोई एवरीडे साइंस का टॉपिक आ गया या किसी टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक आ गया, तो उसमें अगर मैं कोई 5%, कोई 2%, कोई एक्स्ट्रा चीज पढ़ा दूंगा तो वो उस टॉपिक का सपोर्ट होगा, उसके बगैर वो नामुमकिन होगा, इसलिए मैं पढ़ा दूंगा, वरना मैं तकरीबन मोर देन 95-96% रेलिवेंट रहूंगा। आपको बच्चे कह रहे होंगे जो एक्सपीरियंस है वो कह रहे होंगे यार वाकई ही इस टॉपिक में से यार 50 सवाल आए हैं,
यार इस टॉपिक में से 100 सवाल आए हैं, यार इस टॉपिक में से 200 सवाल आए हैं, यानी आप उनसे फीडबैक लोगे आपको यही हर बंदा बताएगा। मेरे यूट्यूब पर भी लेक्चर पढ़े हैं वो यही कहेंगे यार ये जो बोल रहा है ना ये एक तरतीब में सवाल बोली जा रहा है सारे, और साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया जा रहा है, साथ में हिस्ट्री को जोड़े भी जा रहा है, आपको यही बताएगा। किसी भी एक्सपीरियंस बंदे से आप पूछोगे ना जिसने पेपर दिए रखे हैं वो आपको यही बता रहा होगा, हाँ यार ये वाकई जोड़ रहा है, यार इसने सारी की सारी ये एमसीक्यू की किताबें भी पढ़ रखी हैं, इसने तारीख को भी जोड़ रखा है, उसी एमसीक्यू की किताबों के जरिए से पीपीएससी के पेपरों के जरिए से मैंने सारी चीजों को जोड़ के रखा है। ये अपना अपनी तारीफ करना मकसद नहीं है, मकसद है ताकि आपको पता हो कि आप क्या लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों को आप लोग क्या पढ़ रहे हो, मकसद ये है आप लोगों को बताना। तो इसके लिए ना अब क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा नहीं यानी लंबा है कोर्स, लंबा बहुत ज्यादा लंबा है, तो इसलिए पहले ही देख लो कि कितना है, और जो हथियार डालना चाहते हो पहले ही डाल दो, और अगर जो नहीं डालना चाहते करना चाहते हो 5 महीने के अंदर मेरे साथ जुड़े रहोगे, 4 महीने 4.5 महीने मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको डिलीवर करके दूंगा। जो कमिटमेंट हम लोग कर लेंगे यार उर्दू का ये पढ़ना है तो ये पढ़ना है, यार इंग्लिश का ये पढ़ना है तो पढ़ना है, मैथ का ये पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे इधर 4 घंटे पढ़ाना पड़े मुझे इधर 5 घंटे, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी ये कमिटमेंट होगी कि भाई आपको पढ़ाना, कोई न्यू सेशन नहीं, कोई कोई और चीज नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है जी। और कोई बाकी हम इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पर भी ओपन कर दूंगा भाई, अब मुझे बाहर से मुझे कोई रब्ता ना करे, ठीक है जी। और जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी मैसेज इसकी लगी हुई है इसको भी बंद करेंगे, और सारा दिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो है बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाए। अच्छा आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाए और हर चीज़ क्लियर हो जाए, और ये लेक्चर जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब सबसे पहले शीना ने सवाल किए हैं, सॉरी शाइना सफदर ने सवाल किए हैं, शाइना सफदर के सवाल हैं कि पेपर अटेम्प्ट, तो जब से ये न्यू पैटर्न आया है और नन ऑफ दीज का ऑप्शन आया है तो इसमें अब देखें पेपर अटेम्प्टेशन टेक्निक ना कोई भी आपको गाइड नहीं कर सकता। अब देखें पेपर अटेम्प्टेशन टेक्निक आपको क्यों नहीं कोई गाइड कर सकता, क्योंकि उसको आपके नॉलेज का लेवल ही नहीं पता, उसको आपकी कमजोरियां नहीं पता, आपकी कमजोरियां कि आपके मैथ वीक है, आपकी इंग्लिश वीक है, आपका जीके वीक है, आपकी इस्लामियात वीक है, आपकी उर्दू वीक है, ये तो आपको ही पता। तो पेपर अटेम्प्टेशन की टेक्निक बेहतर तौर पर आप लोग खुद ही डेवलप कर सकते हो। अब जहां तक आपकी बात है कि भाई जितने आते हैं उतने करने चाहिए या ज्यादा, तो अब ये भी चीज कोई नया कैंडिडेट असेस नहीं कर सकता। अगर आप गए हो पहला पेपर देने तो आप ये नहीं असेस कर सकते कि यार मुझे कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, हाँ मेरे जैसा कैंडिडेट ये असेस कर सकता है, या ऐसा कैंडिडेट जिसने 15-20 पेपर दिए हुए, जो मार्केट के फ्लो को जानता है, यार मार्केट के अंदर किस तरह के लोग हैं, उसको पेपर देख के आइडिया हो जाता है यार ये 5 सीटें हैं, इसका ये पेपर है, यार इसका मेरिट 65 बनेगा, तो वो क्या करेगा, उसे पता है यार मैंने 75 तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। तो ये यानी पेपर अटेम्प्ट में कितने करने हैं तो उसका ये इस तरीके से, जैसे अब लेक्चरर की सीट है, अब फॉर एग्जांपल लेक्चरर का नॉर्मली मेरिट जो है वो 50 तक जाता है, 50 तक लेक्चरर का मेरिट जो है वो 50 तक जाता है, 55 तक, तो अब आप लोग जो है ना आप लोगों का आइडिया हो गया कि भाई मैं 65, अब कोई बच्चा है उसको 40 आते हैं तो उसको तो पूरे ही लगाने चाहिए ना, बेशक वो 40 लगा दे बेशक वो 50 लगा दे उसका तो नहीं होना, तो वो तो फिर तुक्कों के लिए जाएगा कि शायद यार कोई मैं देखूं शायद मुझे कोई समझ आए, कोई मैं एलिमिनेशन कर लूं, कोई मैं कुछ कुछ ना कुछ करके शायद मेरा कोई दा लग जाए। अब ये तो सारी बातें होती हैं तैयारी के बाद, अब तैयारी के बाद आप डिटरमाइन करते हो कि हाँ भाई मेरा ये वाला एरिया वीक है, मेरा मैथ का एरिया वीक है, मैंने मैथ के यार 2 सवाल छोड़ने होते हैं, अगर कोई बहुत ही मैथ का कॉम्प्लेक्स सवाल आ गया मुझे छोड़ना है, उर्दू यार उर्दू की मेरी इतनी प्रेपरेशन नहीं है, उर्दू में मुझे ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 आते होते हैं, उर्दू के मैंने 3 से 4 छोड़ने का जेन बना कर रखना है, मैंने उर्दू के 3 से 4 छोड़ने का जेन बना के रखना है। यार जीके के अंदर यार कोई बहुत ही ऑड क्वेश्चन आ जाता है जो पहले नहीं आया हुआ, और कोई डेट आ गई है एग्जैक्ट और उसका मुझे नहीं पता, तो यार मुझे उसमें तुक्का नहीं मारना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए, एग्जैक्ट डेट आ गई है मुझे छोड़ देना चाहिए, एग्जैक्ट डेट का मुझे क्या आइडिया, तो जीके के अंदर भी मुझे मार्जिन रखना चाहिए, 3 से 4 नंबर मुझे छोड़ने चाहिए। अब बात रह गई जो है पाकिस्तान अफेयर्स की, तो पाकिस्तान अफेयर के ऊपर भी सेम थ्योरी फॉलोज
कि अगर कोई एग्जैक्ट डेट आ गई है, कोई इस तरह का करंट अफेयर का, पाकिस्तान के करंट अफेयर का सवाल आ गया है जो आपको नहीं आता, तो उसको छोड़ देना चाहिए। और पाकिस्तान अफेयर के अंदर भी आपको 3 से 4 नंबर का मार्जिन रखना चाहिए। और जहां तक बात है उसकी इस्लामियात की, तो इस्लामियात में जो है एक अदा आप छोड़ सकते हो, बाकी इस्लामियात के ज्यादा नहीं छोड़ने चाहिए। तो बाकी ये है कि आपको आइडिया ये होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल जो है 2-3 सीटें हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई 2-3 सीटों के ऊपर मुझे 80 लगाने हैं। अगर मैं 80 नहीं लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगी तो मेरा नाम नहीं आने वाला। हाँ, अगर 50 सीटें हैं, 60 सीटें हैं, आपको लगता है इसका मेरिट पेपर भी थोड़ा सा नॉर्मल है, इतना ज्यादा टफ नहीं है, आपको लगता है कि इसका मेरिट जो है यार 70 तक चला जाएगा, तो फिर भी आप 80 लगाओगे। आपको लगता है पेपर बहुत ज्यादा टफ है, मैथ टफ आई हुई है, जीके टफ आया हुआ है, बाकी चीजें टफ आई हुई है, आपको पता है यार इसका मेरिट 60 जाएगा, तो फिर आपको 65-70 तक जाना चाहिए। यानी आपने जो भी असेसमेंट की है कि यार इसका मेरिट इतना हो सकता है, उससे 5-7 नंबर आप एक्स्ट्रा और लगा सकते हो। तो ये होती है पेपर अटेम्प्टेशन टेक्निक, और ये हर बंदे की अपनी होगी। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि अभी कोई किसी को बता सकता है कि पेपर अटेम्प्टेशन टेक्निक क्या होती है। हर किसी ने अपना एरिया खुद आइडेंटिफाई किए होते हैं कि यार मुझे उर्दू के अंदर मसाइल आ रहे हैं, मुझे इंग्लिश के अंदर मसाइल आ रहे हैं। कोई बच्चा कहता है कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश के अगर 15 आए हैं, अब इंग्लिश को भी सब डिवाइड किया जाता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एनालॉजी, वर्ड मीनिंग, प्रेपोजिशन, ठीक है जी, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज। तो ये इंग्लिश के जो है टॉपिक्स, 12-13 टॉपिक्स, इन टॉपिक्स में से आपको कहता है भाई अगर कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही औखा आया होगा मैं छोड़ दूंगा, मुझे नहीं आइडिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, कोई सिनोनिम एंटोनिम बहुत ही औखा आया हुआ है मैं छोड़ दूंगा, ठीक है जी, जिसका सिनोनिम एंटोनिम छोड़ना भी चाहिए। अगर कोई बहुत ही ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं हो रहा तो वो छोड़ना चाहिए। और हाँ, अगर किसी के ग्रिप है सिनोनिम एंटोनिम के ऊपर, उसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसने 2,000-3,000-4,000 वर्ड याद कर रखे हैं, तो उसका एक सेंस ही डेवलप हो चुका होगा, वर्ड देखकर उसको वर्ड एक आइडिया दे रहा होगा। जैसे उर्दू में हम एक वर्ड से दूसरा वर्ड जज कर लेते हैं यार ये होगा, तो इस तरीके से इंग्लिश में भी आपको वो अपनी जो है एक जो आपने अडॉप्ट की है, इतना मेहनत की है इंग्लिश के ऊपर, तो उसको आजमाना चाहिए। आपको एक वर्ड देखो, उसकी सफिक्सिस को देखो, एफिक्सिस को देखो, प्रीफिक्सिस को देखो, उसके रूट वर्ड को देखो, उसके जो ऑप्शन है उससे अंदाजा लगाने की कोशिश करो और गो फॉर दैट। आपको वो नहीं छोड़ना चाहिए सिनोनिम और एंटोनिम जिसने बहुत ज्यादा याद कर रखे हैं। इसी तरीके से ईडियम पर बात है, एनोलॉजी पर बात है। हाँ, जहां तक प्रीपोजिशन का सवाल है, तो प्रीपोजिशन या फ्रेजल वर्ब है तो, या कंजंक्शन का कोई इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो आपको 2-3 इंग्लिश के अंदर भी 2-3-4 का मार्जिन रखना चाहिए कि यार इंग्लिश के भी मुझे 3-4 छोड़ने पड़ेंगे। तो अभी आइडियल सिचुएशन यही है पीपीएससी के अंदर, जिसकी तैयारी हो गई है या आप जब ये सेशन कंप्लीट कर लोगे उसके बाद भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसी काबिल हो जाओगे कि आप 81 लगा लो, 80 से 85 लगा लो, बस मैक्सिमम आप इस काबिल बन जाओगे। अब वो 80 से 85 आपका कौन सा फेवरेट एरिया है सेशन के दौरान, आपने अपना कौन सा एरिया स्ट्रांग बना लिया है, आपने कौन सा एरिया वीक बना लिया है, आपका कौन सा एरिया वीक रह गया है, तो इन तमाम चीजों की असेसमेंट आपने ही करनी है। और फिर पेपर के जाकर आपको पता चल जाएगा भाई इस एरिया के अंदर मेरा काम होने वाला रह गया, तो इस एरिया में अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं तो मुझे छोड़ने पड़ेंगे। तो आपको आइडिया है कि भाई अगर 2-3 सीटें आई हैं मैंने 80 लगाने हैं, और उसके बाद इस तरीके से मामला चलेंगे। ठीक हो गया शाइना, समझ आ गई आपको? जी सर। हाँ, ये पहला सवाल आपका क्लियर हो गया। अब जी दूसरा सवाल के 4 मंथ के बाद भी हमारे पास एक्सेस रहेगी, 4 मंथ के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है, या अगर मेरी वजह से या हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारा ये सेशन 4 मंथ से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, तो आपको थोड़ा सा जैसे अभी 4 सेशन है उसको मैंने एक्सटेंशन दे दी 25 जो है ना दिन की, तो हो सकता है कि हमारा जी सेशन 25 दिन एक्सटेंड हो जाए, हमारा सेशन भी 20 दिन एक्सटेंड हो जाए। ये तो हमारे कोर्स के ऊपर है कि अगर हम आप लोग भी मेरे साथ चलोगे और हम कोर्स कंटेंट डिलीवर कर लेते हैं तो 4 महीने में, और जिस दिन हमारा एंड हो जाएगा उस दिन आपकी एक्सेस खत्म हो जाएगी, ठीक है जी, उस दिन आपकी एक्सेस खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपके पास एक्सेस नहीं रहेगी, यानी 4 महीने ही रहेगी। अभी हमारी यही कमिटमेंट है 4 महीने, अभी आप जो फी पे कर रहे हो वो 4 महीने की कर रहे हो कि आपके पास 4 महीना एक्सेस रहेगी, बस। अच्छा, हाँ, उसके बाद अब इंटरव्यू की जहां तक बात है, तो अभी मैंने इंटरव्यू की तैयारी करवाई है सब इंस्पेक्टर के कैंडिडेट्स को, तहसीलदार के कैंडिडेट्स को, असिस्टेंट असिस्टेंट गाइड के कैंडिडेट्स को, और 127G असिस्टेंट स्पेशल एजुकेशन के कैंडिडेट्स को, और बहुत सारे और भी कैंडिडेट्स से उनको मैंने जो है तैयारी करवाई है इंटरव्यूज की। तो वो मेरे पास ना तकरीबन 30-40 वीडियोज हैं, तो अब मैं उन वीडियो को ना एक मैराथन में कन्वर्ट करवा रहा हूँ, और उसकी एडिटिंग करवा रहा हूँ,
कि भाई ये है जी डे फर्स्ट, कहाँ से इंटरव्यू की तैयारी शुरू करनी चाहिए, कौन से सवाल है इस तरीके के जो इंटरव्यू में आते हैं, क्या ड्रेसिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो जी आपको वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के कुछ अगर मसाइल हैं तो उसके लिए इस तरीके से जैसे मैंने सब इंस्पेक्टर के लिए सेशन कंडक्ट किए हैं, तो आप लोगों के लिए भी सेशन कंडक्ट कर दिया जाएगा, जिसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप लोग मेरे से सवाल पूछ सकोगे कि सर इंटरव्यू में मेरा ये स्पेसिफिक मसला है, मेरी ये स्पेसिफिक डिग्री है, इसके बारे में मेरी रहनुमाई फरमा दें, तो मैं लाजमी आपकी रहनुमाई कर दूंगा। ठीक है जी, समझ आ गई शायना? आज तो फीमेल कैंडिडेट का ज्यादा आ रहा है, वो सुफियान है, बल्कि दूसरे नंबर पे मोहम्मद सुफियान। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सुफियान भाई। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है, फ्रॉम टोबर टेक सिंह। मेरी डिग्री एग्रीकल्चर में है, एम फिल मैंने किया 2019 में, तो उसके बाद मैंने तैयारी की बीपीएससी की शुरू ना, तो मेरे एक टेस्ट पास है डिप्टी अकाउंटेंट का 16वें स्केल का, लेकिन उसमें एलोकेट नहीं हो सका। एक जिलादार का पास था लेकिन वो पेपर लीक हो गया था। तो अब मैं जॉब कर रहा हूँ 2021 में ना, एज ए पटवारी 9वें स्केल पे ना। तो अब मैं ट्राई कर रहा था 11वें स्केल पर जाने की ना, जूनियर क्लर्क के लिए, किसके लेकिन लिए अब जो जूनियर क्लर्क 11वें स्केल के लिए, पटवारी ज्यादा बेहतर है? लेकिन यहाँ पे जॉब टफ है तो ना पढ़ नहीं होता है इतना। किस डिस्ट्रिक्ट में हो? नटोबा डेक सिंह टोबा टेक सिंह में। यार वो एक और भी है, क्या नाम है, मुबशिर ना, मुबशिर तो डीजी खान में। चलो मैं करता हूँ कुछ। अच्छा जूनियर कलर ना एंटी करप्शन में है वो, लेकिन है एंटी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करप्शन में जॉब। है, हाँ जी, चलें वो ठीक है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब है, लेकिन मेरी एज हो गई है 30 साल हो गई, 29। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब में एज रिलैक्सेशन मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या नहीं? किस डिपार्टमेंट में आप, अभी तो हूँ मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ना, एज ए पटवारी। ये ये परमानेंट है परमानेंट आपकी, बेसिस जी, ये परमानेंट है, और वो जो क्लर्क वाली है? वो परमानेंट बेसिस है, 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, एंटी और करप्शन इधर जॉब है। पटवारी लगे हुए कितना अर्सा हो गया आपको? इधर 7 महीने हो गए, ये यहीं पे रहो यार। यहीं पर हूँ। वो जुल्करनैन भी लगा हुआ है, बहावल नगर से है वो, और भी काफी सारे पटवारी। मुजम्मिल लग गया है, मुजम्मिल की सिस्टर थी मेरी स्टूडेंट, क्या नाम था उनका, मेरा दिन निकला हुआ है, वो रीजी खान से। वो टोबा टेक सिंह में भी अपना एक था यार पटवारी, मेरा स्टूडेंट था। चलो अच्छा मेरे दिन से निकला हुआ है, तो जी सर, लगे हुए अगर पट अगर अगर मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर जूनियर कलर मिलती है कोई रेगुलर बेसिस पे, फिर चले जाऊँ या फिर भी ना जाऊँ? जी ठीक है। 7 महीने हुए हैं ना, थोड़ा तकड़ा जी का हो, तकड़े होकर नौकरी किया करो ना आप लोग। नौकरी करना भी आपको भाई, नौकरी जो है ना वो बंदे पे डिपेंड करती है। आपको क्या लगता है कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी और आपके मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं भाई, आप जाओगे आपको ऐसा रगड़ा लगाएंगे, बेशक आप पुलिस में लग जाते हो, बेशक किसी और डिपार्टमेंट में लग जाते हो, आपको दिखाएंगे कि सरकारी नौकरी क्या होती है, फिर आपके ऊपर सारे के सारे तजर्बे आपके ऊपर करेंगे, आपसे ऐसे ऐसा आपको रगड़ेंगे कि आपको अकल टिकाने आ जाएगी, आपको समझ आएगी कि हाँ भाई मैंने आवाम को किस तरीके से रगड़ना है। तो आपके साथ सारा का सारा वो प्रोसीजर किया जाता है, तो फिर ही आप जो है ना इस काबिल बनते हो कि आप जो है ना वो फिर आवाम के साथ वही काम कर सको। तो सरकारी नौकरी कोई आम नहीं होती। हम जैसे लोग, अब जितने भी मेरे स्टूडेंट्स वगैरह लग रहे हैं, वो बल्कि अरसलान अशरफ, वो इलेक्शन ऑफिसर लगा हुआ था, वो बड़ा जो है ना परेशान था। 17 स्केल है, हालांकि उसने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया है पहले नंबर पर, तो लेकिन वो भी परेशान था, कहता सर इधर तो बड़ा खजल खुआरी है। तो सरकारी नौकरी आप लोगों को यानी शुरू शुरू में आपको जलील किया जाता है, तो फिर 1 साल बाद, कोई 15 महीने बाद, पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कैंडिडेट की, जो बंदा है उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर कि वो किस तरीके से नौकरी करता है। तो जब जो डर डर के करता है नौकरी, तो उसको तो फिर सही रगड़ते हैं, और जो बेचारा थोड़ा सा बहादुर होता है तो फिर उसका सही बन जाता है सिस्टम। शुरू शुरू में तो उसको भी रगड़ा जाता है, शो कॉज, तो ये तो वो, नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढींगना हो जाएगा। तो नौकरी करना भी आसान नहीं है, ये यहाँ पर आपकी स्ट्रगल खत्म नहीं होगी, ये स्ट्रगल आपकी 35 साल की एज तक चलती रहेगी। सुफियान क्या ख्याल है? अच्छा, नहीं वो ठीक है, लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस जो होती है पीपीएससी के थ्रू, इसमें नहीं मिलती रिलैक्सेशन वगैरह? रिलैक्सेशन तो मिल जाती है। अच्छा ठीक, अच्छा आपका डिप्टी अकाउंटेंट का क्लियर था और जिलेदार का? जिलेदार। हाँ जी, जिलेदार का खैर फिर वो लीक पेपर था तो फिर नहीं, इंटरव्यू हुआ नहीं उसका फिर। किसका, जिलेदार का? हाँ जी, वो पेपर कोई लीक में आ गया था ना बाद में। हाँ मेरा मेरा भी मुल्तान रीजन का भी क्लियर था, मेरा वो डीएलआर का भी क्लियर था, वो जो एक सीट थी, मेरा तीनों जगह था। मैं दे एक दो इंटरव्यू आए थे, मैं देने नहीं गया था।
वो जिलेदार वाले, तो वो तो पेपर ही लीक हो गया फिर तो बाद में, उसके इंटरव्यू कैंसिल हो गए, थोड़े से हुए थे फिर बाकी नहीं हुए थे। डीएलआर वाले का तो रिजल्ट भी आया था। एक दो सर, ये जो एनओसी है ये हमें पहले ले लेना चाहिए जब जब लेकिन जब फिर जब इंटरव्यू में नाम है फिर हम ले एनओसी? या डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, बाहर डिपार्टमेंट है जो दलील करते हैं। अब मेरे साहब हैं तो मैं भी अब सरकारी मुलाजिम हूँ, तो उन्होंने तो मुझे कहा बिलाल खुद यार सारा यानी सही है मेरा सिस्टम, ठीक है जी, मुझे कोई एक मिनट का भी प्रॉब्लम नहीं होता, मैंने कभी फोन भी नहीं किया, ठीक है जी। और यानी बाद अब डिपार्टमेंट है वहां पर, अफसर अगर आपका माड़ा है तो अगर आपको वो जलील करता है, वो तंग करता रहेगा, क्लर्क आपको तंग करते रहेंगे, यानी बंदे बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट आपका माड़ा है तो फिर तो पहले ही ले लो, वरना बाद में एतराज लगाएंगे आपने पहले एडवर्टाइजमेंट की डेट से पहले क्यों नहीं किया, मैंने तो कभी भी पहले नहीं लिया, ठीक है जी। यानी आप जब टेस्ट क्लियर हो जाता है तो फिर उधर उनको बताते हैं कि सर आई हैव क्लियर्ड द टेस्ट ऑफ फलां फलां, प्लीज गिव मी जो है ना एनओसी फॉर द पोस्ट ऑफ फलाना फलाना, तो वो फिर जो है ना वो एनओसी अप्लाई कर देते हैं, वो परफॉर्मर के ऊपर साइन कर देते हैं, बस एनओसी जमा करवा देते हैं। तो इसका कोई इशू वो बनाते तो नहीं पीपीएससी वाले, ये नहीं, आपने एनओसी ले पीपीएससी लिया? को एनओसी चाहिए, पीपीएससी को चाहिए कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आपके जो जिस डिपार्टमेंट में आप अभी कर रहे हैं जॉब, क्या उसको एतराज तो नहीं, वो डेट के ऊपर कोई इशू नहीं बनाते, बेशक उसी दिन का हो जिस दिन आपको जो है ना वो आपका इंटरव्यू है उसी दिन का, आप अगर आपको एनओसी दिया जाए उनको फिर भी कोई एतराज नहीं, बस उसके ऊपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साइन होने चाहिए या हायर अथॉरिटी के साइन होने चाहिए कि वो जो है ना आपको डिसअलाउ नहीं कर रही और उसने आपको एनओसी दिया हुआ है कि हाँ यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट पोस्ट या नेक्स्ट डिपार्टमेंट। थैंक यू सर। सुफियान ये वन टाइम में ना कर दें आपको ऐड, कर दें सर कर। काफी आपका है। देखो अब मैं जिनको वन टाइम रेकमेंड कर रहा हूँ ना, तो अब देखो सुफियान ने मुझे नहीं कहा लेकिन मुझे लगा है कि डिप्टी अकाउंटेंट अगले ने क्लियर किया हुआ है, 2019 का टेस्ट है ये, डिप्टी अकाउंटेंट जिलेदार क्लियर किया हुआ है 2020, यानी काफी अरसे से। सुफियान कब से कर रहे हो तैयारी आप? सही तैयारी तो 2019 से शुरू की है मैंने, हाँ यानी पहले देखो ऐसे यानी ही था दो बस टेस्ट दे लिया जाके। हाँ यानी 2019 से लगा हुआ है सुफियान, ठीक है, तो इसका मतलब है इसको काफी अरसा हो गया, तो इसका मतलब कोई थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लम है, इंटरव्यू में प्रॉब्लम है इसको सुफियान को, ठीक है ना, तो ये इसलिए सेशन ज्वाइन कर रहा है सुफियान, यही मकसद है ना सुफियान आपका? जी बिल्कुल। हाँ बाकी वो ये कह रहा है कि यार पैटर्न भी तब्दील हुआ है तो इसके लिए भी वो तैयारी करना चाह रहा होगा, बाकी जुड़ा भी रहना चाह रहा होगा, यही मकसद है ना सुफियान? जी एक मैंने पढ़ना भी छोड़ा हुआ, जबकि जॉब लगी ना मेरी सितंबर की 2021 की, मैंने पढ़ना छोड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूँ चलो एक ना अब एक प्रॉपर तैयारी शुरू करके ना, क्योंकि नंबर मेरे अच्छे आ जाते हैं ना अभी भी, एस एंड गैट में मेरे 52 मार्क्स थे, कुछ नहीं पढ़ा था मैंने, छोड़ा हुआ था फिर भी, तो चले उसका मेरा इंशाल्लाह भी इंप्रूव 60। इंप्रूव हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, बेफिक्र है, ठीक ठीक है, थैंक यू सर। सदीका रानी। सिद्दीका रानी रे, ये रोम कौन है जी? रोम साहब, ROME रोम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर? मेरा नाम शाहिद है सर, मैंने यही मैंने आपसे पहले बात की थी, तो फिर मैंने ये थोड़ा सा एक ही क्वेश्चन पूछना, गाइडलाइन लेनी थी कि जब तक आपका सेशन स्टार्ट नहीं हो जाता भाई, जब तक आप ना प्रॉपर पढ़ाना स्टार्टिंग हो जाते हैं 15 तक, तो मुझे उसके बारे में बता दें, इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश में मैं क्या 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 नाम है फिर का क्या नाम, मैं तैयारी कर रखूँ 15 डेट तक, ठीक है, तो मैं इसको इस ये आपको बता रहा हूँ ना कि अभी हम सारे सब्जेक्टों को डिस्कस करेंगे जी बारी जी बारी, पहले मैं अपना ओपिनियन दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी मेरे को हमने इस सब्जेक्ट के कितने लेक्चर देने हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा यार ये मेरे पास नोट्स पड़े हैं जो मैंने आपको देने हैं, यार ये मेरी तरतीब होगी, यार ऐसे ऐसे डिलीवर करूंगा, यार इसके ये जो है ना डेमो लेक्चर आप लोगों के पास पड़े हैं मेरे, यार ये सारी चीजें आपने देख ली हैं, अब इस तरीके से हमने करना है, अब आप लोग बताओ यार इसमें कोई वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, ठीक है जी, तो या इसमें कोई कमी बेशी है तो बताओ, ठीक है जी, फिर उसके बाद इस नहीं सर तरीके से। बिल्कुल हाँ ठीक है, ये बिल्कुल आप ठीक है सारे उनको नोट डाउन करते रहो, जो बच्चे अभी स्टार्ट में हो उनको नोट डाउन करते रहो, एक एक वर्ड को लेक्चर्स को नोट डाउन करते रहो, सिलेबस को असेस करते रहो, यार कितना सिलेबस है, कैसे कैसे कवर करवाया जा रहा है हमें,
और इनिशियल वाले बच्चों को क्या रेकमेंड किया जा रहा है, जिनकी बेसिक्स नहीं है उनको जो रेकमेंड किया जा रहा है वो उसको फॉलो करते रहेंगे, जो जरा एडवांस वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या बात की जा रही है, और जो पीएमएस वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या बात की जा रही है, जी तीनों, जी मैं से बिल्कुल हाँ तीनों टाइप के बिल्कुल कैंडिडेट्स के लिए जो जो बात की जा रही है वो अपनी अपनी बातें नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है सर, मैं इसके लिए मैं मुकम्मल तैयार हूँ, तैयारी के लिए बस यही मैंने आपसे पूछना था कि बस ठीक है, मैं अभी थैंक यू सर, जो है ना सारा आपको बेहतरीन कर दूंगा, टेंशन ना लें आप लोग बिल्कुल भी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जलील से तो हो गई थी, आसिफ जी अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ गोजरा से, और एमए पाकिस्तान स्टडी किया है, और इसके अलावा पीपीएससी के दो पेपर दिए हैं, एक लेक्चरर पाकिस्तान स्टडी और एक लेबर इंस्पेक्टर का, तो दोनों में मेरे 46 मार्क्स आए थे। ठीक इससे है, आगे मतलब उसके बाद, ये 2020 में दिया था, उसके बाद से अभी तक दिया नहीं है और तैयारी पाकिस्तान में लगा स्टडी कब हूँ। हुई है आपकी? ये 2019 में हुई थी। ठीक, तो ठीक है, आप आसिफ साहब फॉलो करें, और लेक्चरर पाकिस्तान स्टडी में किया वेल आपने अप्लाई? सर इस दफा तो नहीं कर सका, मैं थोड़ा गया हुआ था, मुझे पता नहीं चला, लेकिन हिस्ट्री में किया है मैंने अप्लाई, लेक्चरर हिस्ट्री में। ठीक है ठीक है, लेक्चरर हिस्ट्री की मुकम्मल तैयारी हो जाएगी आपकी ठीक है, इसी सेशन से। ठीक है, अब ओके ये डिपेंड करेगा कि आपका पेपर अगर आ जाता है फिर तो मजबूरी है, पहले आ जाता है, अगर नहीं आएगा तो फिर जो है आपकी तैयारी हो जाएगी, अदरवाइज आपकी दूसरे तमाम टेस्टों की तैयारी हो जाएगी। अब तो हुकूमत भी बहाल हो गई है, ठीक है, हुकूमत भी बहाल हो गई है, और अब असेंबली भी बहाल हो गई है, तो अब एड तो मैंने देखें, एड नंबर 4 भी आ गई है, एड नंबर 5 भी आ गई है, इसका मतलब असेंबली की ये मामला का, हुकूमत के मामला का जॉब के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, स्पेशली कमीशन की जॉब के साथ, ये आती रहेंगी, और आप लोग तैयारियों पे फोकस करो, और ये जो हमारी डिस्कशन है ना, ये मैं जी जितना जी मर्जी पढ़ाता हूँ, जितनी मर्जी मेरी मेरा नॉलेज है, जितना कुछ मर्जी है, उसमें सबसे अहम पार्ट ये हमारी डिस्कशन जो हो रही है, ये जो मैं लाइव बैठकर अपना तजर्बा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, एक इंडिविजुअल की जो गाइडेंस कर रहा हूँ, ये सबसे बेहतरीन पार्ट है। आपके पर्सनल लेवल पर जाकर जो कंसर्न डील कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैंने इस सेशन की इब्तदा यहाँ से की है ना, ये मेरी बेहतरीन चीज है, क्योंकि हर बच्चे को गाइड हो रहा है, हर बंदे को, और सब सब लोग इसको सुने, सब लोग सुने, और उनके जो आपस में रिलेटेड मामला आते हैं वो रिजॉल्व होते रहें, ताकि ठीक है आसिफ। सही। और सर और एक और पूछना था कि ये हिस्ट्री के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो इसमें यूरोपियन हिस्ट्री का है, उसका कोई सिलेबस वगैरह आउटलाइन वगैरह की कोई गाइडलाइन मिल जाएगी आपसे? ठीक सब अभी सब्जेक्टों को इंशाल्लाह आज काफी सारे एरिया को हम डिस्कस कर लेंगे है, इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। सलमान अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सलमान अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ बहावल नगर से, और सर मेरे एजुकेशन बीएस मेरा एग्रीकल्चर में, मेजर फूड टेक्नोलॉजी, और उससे पहले डिप्लोमा भी मेरा फूड टेक्नोलॉजी में है, और एमफिल भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह इस सितंबर में फूड टेक्नोलॉजी। तो सर ये कि अभी तक मैंने कोई भी पीपीएससी का पेपर वगैरह नहीं दिया, ना ही मैंने कोई इसकी प्रिपरेशन की है, ये पहली दफ़ा आपके सेशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तैयारी। हाँ, तो सर सलमान जी अब्दुल्ला, सर, सर समझ गया मैं आपकी बात, समझ गया आपकी एक बात। बार एक एक पॉइंट सर थोड़ा सा बता जी, सर, मेरा जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो मेरी फील्ड से रेलेवेंट जॉब है, जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी के अंदर आती हैं सीट्स आती हैं, नहीं मैं तो उसकी उनसे तैयारी तो नहीं करवाऊंगा आपको, वो नहीं उसकी नहीं तैयारी, सर सर वो पेपर पीपीएससी के होते हैं बिल्कुल जैसे दूसरे पे जनरल यार पता पेपर नहीं होते हैं। सलमान अब्दुल्ला साहब आप लोग जो है ना कहाँ पर बैठे होते हो, आपकी दो दो साल बाद सीटें आती हैं, 2 साल आप इंतजार करोगे? अभी एग्रीकल्चर ऑफिसर की तो सीटें गुजर गई, अभी अभी तो आई हुई थी, उससे पहले भी आई हुई थी, अब आपकी साल बाद आए, 2 साल बाद आए, उसके इंतजार में बैठे रहोगे? सर एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी, यार फूड टेक्नोलॉजी की भी नहीं, फूड इंस्पेक्टर की आने वाली है, लेकिन वो उसका भी कोई पता नहीं है, पता नहीं उसमें अब क्या सिस्टम बनता है फूड ये इंस्पेक्टर सर जो फूड अथॉरिटी की ना नवंबर में एक्सपेक्टेड है, नवंबर दिसंबर में इस साल। की। लेकिन अपने आप को डाइवर्स रखो, उसमें क्या पैटर्न है कोई पता है? सर बिल्कुल पीपीएससी वाला है, मतलब वो क्या उसके पेपर मैंने देखे हैं कोई पुराने,
जैसे जनरल दूसरे सीट्स आती हैं या असिस्टेंट की, उसी तरह का पेपर है उसका। अच्छा जी सर, फिर तो ठीक है, फिर तो जबरदस्त है यार, सॉरी मैंने वो आपको झाड़ दिया। कोई मसला। अच्छा यार ठीक है सलमान अब्दुल्ला यार, जबरदस्त। चलें उसकी तो तैयारी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी सलमान, फिर थोड़ा सा हौसले के साथ चलना है, हर चीज को देखते रहो अभी ना, और अभी बेशक बाद में दिमाग को थोड़ा कम फोकस कर लेना, दिमाग के ऊपर प्रेशर कम कर लेना, लेकिन अभी पूरा दिमाग खोल कर एक एक चीज को लिखो यार, ये पीपीएससी क्या है यार, इसका सिलेबस क्या है यार, ये बच्चे क्या क्या बातें कर रहे हैं यार, ये मुझे क्यों नहीं समझ आ रही ये जो बातें हो रही हैं यार, ये पीएमएस क्या होता है यार, ये क्या क्या बातें हो रही हैं, जिन जिनको ये बातें नहीं पता ना वो लिखो अपने दस्ते पर पीपीएससी की, यार ये वेबसाइट की बातें हो रही हैं, ये वेबसाइट कौन सी है यार, ये अपकमिंग जॉब की बातें हो रही हैं यार, ये प्लानर की बातें हो रही हैं यार, ये इसकी बातें हो रही हैं, ये उसकी बातें हो रही हैं, सारी बातों को नोट करते रहो और उनको जो है उस पूरे फोकस के साथ हर चीज, आप एक्सपर्ट हो, कल को बैठे आप भी है जो है ना कोई किसी को गाइड कर रहे हो अपने कमरे में बैठे, अगला बंदा कहे यार पीपीएससी को इसको पता है यार, तैयारी भी माशाल्लाह इसकी हो रही है और इसको पता है हर चीज का, मैं मुकाबले के इम्तिहान की दुनिया के साथ पूरा ये आशना है। ठीक है yes. मोहम्मद वकास गफार, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं, आप ठीक ठाक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ सर। ठीक है। अच्छा सर, पीपीएससी का मुझे काफी हद तक नॉलेज है, मैंने दो तीन टेस्ट जो पास भी हुए थे मेरे, जैसे कि जिलादार और असिस्टेंट पुलिस का हुआ था कोविड के बाद से, तो पुलिस का पास था आपका? असिस्टेंट पुलिस का जी पास था, वो उसका मेरिट काफी हाई था, लेकिन उसके बाद से फिर सर मैं वो तैयारी नहीं कर सका, कुछ जॉब की डिस्क्रिप्शन मेरी बड़ी टफ थी। सही है, मेडिकल रैप, मैं मेडिकल रैप ना फार्मा कंपनी में करता हूँ, मॉर्निंग इवनिंग कोई टाइमिंग नहीं मेरी जॉब की। मैंने इससे पहले सर तैयारी की थी एक लाहौर से वो, लेकिन वो उसके बाद मैं प्रॉपर कंटिन्यू कर नहीं कर सका। तो अब मेरा इशू ये है कि सर अभी मेरा जूनियर क्लर्क का पास या पुलिस में ना उसका स्किल टेस्ट रहता है, तो अभी इशू है कि सर एज फैक्टर जो है वो तकरीबन 29, तो बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ आपकी क्लासेस का, 15 तारीख बहुत दूर लग रही है मुझे। नहीं वकास भाई, वन टाइम में कहते हो तो ऐड कर देता हूँ। क्या बोल सर, दोबारा बताइएगा। मैंने कहा वन टाइम में, वो जो मेरी वीडियोस हैं अगर आप उसको जो है देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं आप। जी सर करते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि सर मैं जल्दी जल्दी से कुछ ना कुछ कवर करना शुरू करूँ दोबारा से, क्योंकि एक मैंने एकदम से छोड़ दी थी, अब दोबारा से मैंने, एक दोस्त है मेरा अहमद तांदलियां वाला से, वो आपसे उनका सेशन लिया था, मेरे ख्याल में थर्ड सेशन था आपका। हाँ हाँ अहमद अहमद अहमद, ठीक है ठीक है, वो तांदलियां वाला ये, ठीक है सही सही समझ आ गया अहमद। उसका उसका कोई हुआ है क्लियर सर? उसके इंटरव्यू चल रहे हैं, सब इंस्पेक्टर का भी उसका हो रहा है इंटरव्यू, और एफआईए में भी दो तीन टेस्ट जो दिए थे वो पास हैं उसके, देख लो इंटरव्यू हो रहे हैं। आपके भी आ जाएंगे वकास भाई, अहमद भाई से मेरी बस सर मुझे ना बस एज फैक्टर क्या एज ऐसा इशू है कुछ, क्या एज ये सर 29 हो रही है, दो माह बाद, दो ढाई माह बाद, अभी पड़ी है एज, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, अभी ना इसी सेशन में रहो, बल्कि आप वन टाइम में ना जाओ, क्या कहते हो? ठीक है सर, जैसे बेहतर सर आपका, क्योंकि सर मेरी जॉब जो है ना वो फील्ड वर्क है सारा, मॉर्निंग और इवनिंग में कोई टाइमिंग का ऑप्शन होता है, और पहले तैयारी करने की ना होने की मेरी वजह भी ये है कि वो पहले जो लेक्चर एक सर से मैंने की थी ना वो रंजा साहब से, तो ऑनलाइन लेक्चर लेना पड़ता था, वो कभी मैं अवेलेबल होता था कभी नहीं होता था, तो वो कभी ले लेता था कभी नहीं ले लेता था, तो नहीं, ये तो मैं,
मैं जितने भी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं उनकी नेग्लिजेंस समझता हूँ कि वो अगर बच्चों को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान को डिजिटलाइज्ड नहीं हो चुका पूरी तरह से, और बच्चों को इंटरनेट के इश्यूज होते हैं, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके अंदर जो है अभी हम इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हुए कि हमारा जो है कोई इंटरप्शन वगैरह ना हो। और मैं जो टीचिंग साइड है, मैं तो उसको तो मैं खसूसन बात करूंगा कि लाइव टीचिंग स्पेशली, उसमें जो है ना बच्चों को लाजमी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि जो है ना अगर आप, हाँ मैं मानता हूँ कि बच्चे लीक करते हैं, तो उसके लिए ऐप बनवाएं, आप खर्चा करें, इतना लोगों से, बच्चों से कमाते हैं बच्चे लोग, तो ये इनको करना चाहिए, तमाम एकेडमीज को रिकॉर्डिंग देनी चाहिए, उनके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास होनी चाहिए रिकॉर्डिंग्स। सर, ये आपकी आपके पास आने का मकसद भी मेरा, एक तो आपकी कमिटमेंट जो होती है आपके स्टूडेंट के साथ, मैंने आपको फॉलो किया है यूट्यूब पे, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं और आप बहुत कमिटेड हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। और सही दूसरा बात ये है कि मैं इजीली ऐप सर, से मैं अपने उनको ना, लेक्चर, यकीन करो, मैं आप लोगों को अपना स्टूडेंट बिल्कुल कंसिडर करता ही नहीं, मैं यकीन करो दोस्त यार की तरह और भाइयों की तरह बिल्कुल, कि भाई आप भी मेरे जैसे ही हो यार, मैंने भी तैयारी की है, हमने इकट्ठे धक्के खाए हैं, और बिल्कुल अगर मुझे 4 लफ्ज ज्यादा पता चल गए तो मैं उस्ताद बन जाऊं, अगर मैंने 4 लफ्ज ज्यादा पढ़ लिए तो जो बेचारा सीखना चाहता है उसको ना सिखाना, तो इलम तो जो है ना एक ऐसी चीज है जिसको लाजमी आपको आगे तक पहुंचाना चाहिए, अगर 4 लफ्ज 4 अवेयरनेस मुझे ज्यादा होगी तो मैं आज उस्ताद बनकर बैठ जाऊं, ठीक है आप लोगों से पैसे लेता हूँ, उसकी एक वजह है कि भाई सिस्टम चलाना है, सारा मामला करना है, लेकिन पैसे लेने के बाद जो है मुझे वैसा ही होना चाहिए जैसा जो है ना हर किसी के लिए अवेलेबल होना चाहिए, अगर किसी का कोई स्पेसिफिक इशू है तो उसको भी डील करना चाहिए, मेरे अंदर ये बिल्कुल होना चाहिए। जो भी यंग उस्ताद है मैं उनको स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, ताकि वो आपसे पूछ सकें टॉपिक के बारे में, उस्ताद बनकर बैठ जाओ, तो ये तो ज्यादातर उस्ताद वही बनकर बैठते हैं जो बच्चों को गाइड नहीं कर सकते, जिनके पास खुद कोई नॉलेज की कमी होती है, तो वो मैं जो है ना थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं, क्योंकि यार कोई क्या पूछ लेगा, मुझे ना पता हुआ तो मैं क्या करूंगा, और यार नहीं पूरी दुनिया की चीजें सारे बंदों को नहीं पता होती, आपको जितना पता है आप बताओ, उतना तो गाइड करो ना, लोगों को गाइड करोगे तो उनको पता चलेगा, अब पता नहीं कितने लोगों ने कितना कुछ सीख लिया होगा हमारी इन 2-3 दिन की डिस्कशन से, तो ये लाजमी होना चाहिए, क्या ख्याल है वकास? चलिए सर, इंशाल्लाह सर मैं इंशाल्लाह आपके जो भी गाइडलाइन होंगे उनको मैं प्रॉपर फॉलो करूंगा और लेक्चर को प्रायोरिटी पे प्रिपेयर करूंगा डन हो इंशाल्लाह। गए, डन हो गए, डन हो गए शुक्रिया सर। जी। आदिल खान, आदिल अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना ये था कि मैंने अप्लाई किया हुआ है इंस्पेक्टर FIA के लिए ना, तो उसका सुनने में ये आ रहा है कि पेपर जून जुलाई में होगा, तो क्या तब तक हमारा जो सारा सेशन है वो एंड हो जाएगा? क्योंकि मेरी प्रिपरेशन तो पंजाब पुलिस असमीशा के हिसाब से है, और आपको पता है FPSC जो है वो डिफरेंट लाइन को फॉलो करता है, अभी कोर्स इस आउटलाइन बात डिस्कस करते हैं, आपका का हो मिल जाएगा ये सवाल का जवाब, ओके सर थैंक यू। और कंप्लीशन की जहां तक ताल्लुक है तो हम कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर का सहारा ले लेंगे, यानी मैथ को हम और रिकॉर्डेड सर रिकॉर्डेड पे चले जाएंगे। एक्चुअली डे बड़ी जैसे मैं जरा कंसर्न, यार हमारे मेरे पास लेवरेज बहुत ज्यादा मौजूद है, आप करने वाले बनो, मैं इस टाइम बेस्ट बैठा हूं, आपको रिसोर्सेज के हवाले से ओके सर हाँ मैं बेस्ट बैठा हूं, आप करने वाले बनो, लेकिन ये है कि अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना ले लेना, अपने ऊपर बोझ ना डलवा लेना, और फिर जो है ना ये ना मामला हो जाए, मैं सिर्फ ये बात करता हूं कि आपके ये दो तीन बिल्कुल 4 महीने कीमती महीने, आपकी जिंदगी के सबसे कीमती महीने जाया ना हो जाए, ऐसा ना हो कि आप इतने ओवर बर्डनाइज हो जाए और आप फेड अप होकर कहें कि यार ये है नहीं होता, यानी इस चीज से अपने आप को सेव रखना है, और यानी अपने आप को ओवर बर्डनाइज नहीं होने देना, यानी 18 घंटे पढ़ रहे हैं और फिर भी मुतमइन नहीं है, यस सर हाँ इस तरह की सिचुएशन भी हम लोगों ने अवॉइड करनी है कि कहीं इस तरह की सिचुएशन ना बन जाए हमारे साथ, कहीं इस तरह का हमारे साथ मामला ना हो जाए कि हम ओवर बर्डनाइज हो जाएं और हमें फील हो कि यार ये हो ही नहीं सकता, यानी इस चीज को अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है ये इस पूरे जर्नी के दौरान, तो ये मेरी कोशिश बहुत ज्यादा रहती है ताकि लोग जुड़े रहें, लोग करते रहें, क्योंकि जो है ना जैसे ही आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा ज्यादा तो आप कोलैप्स कर जाएंगे, माइंड इंसान का कोलैप्स कर जाता है, इंसान की फिजिक कोलैप्स कर जाती है, तो उस तमाम चीजों को भी मद्देनजर रखना पड़ता है बीइंग ए टीचर मुझे।
ठीक है आदिल, इंशाल्लाह मैं करता हूँ डिस्कस। जफर अब्बास से बात हुई है मेरे ख्याल, अली रजा से भी, उमर फरीक चीना, उमर फारूक चीना, जफर अब्बास आपसे बात हुई है? जफर अब्बास सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे आप? मेरा क्वेश्चन था कि मैंने सर अप्लाई किया हुआ है कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के लिए। हमारी पहले बात हुई है जफर? जी जी हमारी पहले बात हुई है, क्वेश्चन सर पूछना था इसलिए। एक मिनट रुक जाओ अभी आप। अच्छा उमर फारूक चीना, आपकी बात हुई है मेरे साथ? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नहीं सर मेरी बात नहीं निकाली आप। हाँ जी उमर फारूक सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की हुई है, अभी मैंने रिसेंटली सब इंस्पेक्टर का पेपर दिया है और गुजरांवाला रीजन से मेरा सब इंस्पेक्टर का पेपर क्लियर है। सर जो इंटरव्यू है वो इसी वीक में प्लान था, लेकिन वो पता नहीं इस वीक में तो नहीं हुआ, शायद अब नेक्स्ट वीक में हो, तो उसके हवाले से थोड़ा सा गाइड करते हैं। वो नासिर को करो फोन जरा। उसके लिए यही जो 4 month सेशन है यही काफी है, तैयारी हो जाएगी? जी बिल्कुल जी। तो सर इंग्लिश का है थोड़ा सा इशू, इंग्लिश की तैयारी के लिए सर किस तरह? अब सब सब्जेक्टों को डिस्कस करते हैं ना, अब शुरू हो गए, अब हमारे सब के बात मामलात हो गए, हमने सब बात कर ली, अब आप लोग चुप करो उधर। मैं पहले सब इंस्पेक्टर की जरा बात कर लूं। सब इंस्पेक्टर की ये बात है कि देखो सब इंस्पेक्टर के लोग जितने भी आप लोग शॉर्टलिस्ट हुए हो, जिन्होंने भी टेस्ट दिए हैं और जो लोग भी इंटरव्यू दे रहे हो, यार आप लोगों के लिए मेरी ये एडवाइस है, बीइंग ए टीचर और बीइंग एक एक्सपीरियंस पर्सन, मेरी ये आप लोगों को एडवाइस है, देखो आप अगर फॉर एग्जांपल 500 लोग हो तो 500 में से जो है आपने जो है कम लोगों ने होना है, 100 लोगों ने सिलेक्ट होना है। अगर आप 500 लोग हो तो 100 लोगों ने सिलेक्ट होना है, और अगर आप 400 लोग हो तो 80 लोगों ने सिलेक्ट होना है, और अगर आप इसी तरीके से जितने लोग हो उसमें से जो है यानी 5 में से 4 ने सिलेक्ट नहीं होना, यानी और इस जिस तरीके से 15,000 थे उसमें से 15,000 में से 500 हुए, और अब एक और फिल्टर लगेगा, एक और फिल्टर लगेगा जिसमें से कम रह जाएंगे, 4 में से 1 रह जाएंगे, ठीक है? तो परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है, लेकिन आप लोगों ने हौसला नहीं हारना, जिनका टेस्ट क्लियर हुआ है या जिनका जो है अब इंटरव्यू जो है क्लियर नहीं हो पाएगा अनफॉर्चुनेटली, बहुत सारे होंगे तो, लेकिन मैं आप लोगों को ये बात लाजमी कहूंगा कि यार आप लोग बहुत लकी हो, आप लोग बहुत लकी हो, आप लोगों जितना लकी मैंने नहीं देखा, कि आप लोगों को 25 साल की उम्र से पहले पीपीएससी का पता भी चल गया और 25 साल की उम्र से पहले आपका टेस्ट भी क्लियर हो गया और 25 साल की उम्र से पहले आपको इंटरव्यू का एक्सपोजर भी मिल गया। और अगर आप में से जो लोग भी आगे लगे रहेंगे, मैं उनको लिख कर जमानत देता हूं कि उनको इनशाला बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी, लेकिन आप में से जो लोग हिम्मत हार देंगे और कहीं और इधर उधर लग जाएंगे, क्योंकि सब इंस्पेक्टर के जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने टेस्ट क्लियर किए हैं, उनका कंप्यूटर और इंग्लिश उसके ऊपर एक रेलिवेंट जो है उन्होंने मेहनत कर रखी है, एक बेहतरीन तरीके से उन्होंने काम कर रखा है और उन्हें काम करने का तरीका भी पता चल गया है, उन्हें थोड़ा सा कोर्स कॉन्टेंट भी पता चल गया है, तो अब वो जो है ना बहुत करीब है इसके कि उनकी जॉब हो जाए और उनके पास टाइम भी पड़ा है। आप लोग बहुत ज्यादा लकी हो, आप अभी बातें सुन रहे थे, कुछ बच्चे हैं बेचारे 29 के हैं, और मैं खुद देख लो, मुझे नहीं पता था यार 26-27 साल की उम्र में कि ये पीपीएससी भी कोई चीज होती है, कि ये नौकरी भी सरकारी नौकरियां भी कोई टेस्ट शेस्ट दे के इंटरव्यू दे के होते हैं, ये मेरी नेग्लिजेंस है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये किसी माशरे की है या कुछ जो भी है, लेकिन ये हमारे माशरे में है चीज। तो सब इंस्पेक्टर के तमाम कैंडिडेट्स, आप लोगों ने उम्मीद नहीं हारनी, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने लगे रहना है। आप में से देखो बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, आपके अंदर सलाहियत नहीं है, आपके अंदर सबसे ज्यादा सलाहियत मौजूद है, आप जो है बिल्कुल आपका यंग माइंड है, आप कर सकते हो चीजों को, आपने आदत बना ली है पढ़ने की, यही चीजें रिक्वायर्ड होती हैं कंपेरेटिव एग्जामिनेशन को, बस आपको अब एक और चीज की रिक्वायरमेंट है और वो है कंसिस्टेंसी।
अगर आपने कंसिस्टेंसी रख ली तो आपको लाजमी जॉब मिल जाएगी सब इंस्पेक्टर वाले कैंडिडेट्स। ये मेरी आपको एक बहुत ज्यादा नसीहत है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग लाजमी मेरी इस नसीहत पर अमल करोगे। अच्छा, अब हम लोग जो है ये हमारा पार्ट वन जो था, अब हमारा क्वेश्चन आंसर। मेरा ख्याल है कि मैंने तमाम लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते थे उन तमाम लोगों को मैंने आंसर दे दिए। जलील के साथ भी बात हुई हुई है, मेरी जफर के साथ भी बात हुई हुई है, अदनान साबिर के साथ भी, उमर बिन असलम के साथ भी, उमर रहमान के साथ मेरी बात नहीं हुई। उमर रहमान साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह उमर रहमान। अच्छा सर, मेरा ताल्लुक लाहौर से है जी, और मैंने जो है वो बीबी ऑनर्स किया था 2019 में। उसके बाद मैंने एक से डेढ़ साल जो है वो बैंकिंग सेक्टर में जो है वो सर्व किया है, और फिर जो मैंने एमबीए स्टार्ट कर दिया था, और मैंने जॉब प्राइवेट जॉब छोड़ दी थी, मेरा इंटरेस्ट नहीं बना वहाँ पे। तो अब मैंने जो है अब मेरी 26 ईयर है एज है, और अब मैंने आपका यानी कि फॉलो करना वो आपको शुरू किया है, तो जो है और मेरी पहले यानी कि इससे रिलेटेड कोई तैयारी वगैरह नहीं है, ना मैंने कोई पीपीएससी एफटीएससी का टेस्ट। ठीक, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं फाइनेंशियली जो है वो साउंड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे उस तरह का कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहता हूँ। तो जो है कि अब एज के हिसाब से क्या मेरा यानी कि परस्यू करूँ इसको कि ना करूँ? बिल्कुल, आपकी अभी 26 साल उम्र है, आपके पास अभी 4 साल पड़े हैं, और आपने ना चुप करके सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो करना है। आपने एक साल लगे रहना है मेहनत पे, बेशक आपके पास कुछ भी नहीं है ना, बस आपने मेहनत करते रहना है, एक साल आपने लगे रहना। जो और आपके लिए क्या एडवाइस है, अप्लाई करते रहो, टेस्ट देते रहो, दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते रहो, पीपीएससी को समझते रहो, पीपीएससी की चीजों को समझते रहो, डिफरेंट एफपीएससी की चीजों को समझते रहो, पीएमएस को समझते रहो, सीएसएस को समझते रहो, सिस्टम को समझते रहो, पेपर कैसे होते हैं यार, ये डिपार्टमेंट क्या है यार, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है यार, हमारे मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हमारे सारे मामला जो जो चीजें मैं पढ़ाता जाता हूँ इनको समझते जाओ, मेरे मुंह से निकलने वाली चीजों को याद करते जाओ, मेरे बोर्ड के ऊपर लिखी हुई चीजों को याद करते जाओ, मैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहो, और बस एक साल के लिए लगे रहो, और फिर बताओ, इंशाल्लाह आपको मंजिले मकसूद लाजमी मिलेगी, लाजमी तौर पर। जी जी सर, मेरी ना सर इंग्लिश मैथ्स वगैरह अच्छी है, यानी कि मैं मुझे सिर्फ ये था कि मुझे ना गाइडलाइन नहीं थी, सब्जेक्ट इतने सारे थे, तो मैं इसी चीज में कंफ्यूज होता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट को कितना करना है, सारों को रोज करना है, कैसे करना है, इन चीजों में जरा मैं कंफ्यूज होता हूँ। बाकी ये कि मुझे आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उमर भाई ये करना है कि जो मेरा लेक्चर है, जो मेरी तरतीब है, इसको पूरी की पूरी तरतीब को माइंड में भी रखना है, 10 के 10 सब्जेक्टों को माइंड में भी रखना है, लेकिन फोकस सबसे ज्यादा रखना है जो लेक्चर हो रहा है, जो अभी लेक्चर हो रहा है, जो सामने पढ़ाया जा रहा है आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा, यानी हमने एवरीडे साइंस अपनी बिल्ड कर ली, हमने मैंने इनिशियल बच्चों वालों को कहा, मैंने कहा यार आपकी एवरीडे साइंस नहीं है तो आप लोग यार ये कर लो, आपने वो सारे जिद की, बेसिक नहीं थी, उन्होंने अपनी बेसिक को बिल्ड कर लिया और सारे मामले वगैरह कर लिए। अब ये हमारा पहला लेक्चर हो रहा है, अब उस पहले लेक्चर में 13.8 बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ कि जी दुनिया के अंदर 2 परस्पेक्टिव होते हैं, एक परस्पेक्टिव साइंटिफिक परस्पेक्टिव होता है और यार एक आपके पास इस्लामिक परस्पेक्टिव होता है। साइंटिफिक परस्पेक्टिव में ये कहा जाता है कि भाई एक दुनिया जो है ना कुछ भी नहीं थी, ये एक नुक्ता था, तो नुक्ता भाई क्या हो गया, नुक्ते को क्या हुआ, जो नुक्ता फट गया बिग बैंग हो गया, तो ये भाई एक साइंटिफिक परस्पेक्टिव है। और हमारा जो रिलीजियस परस्पेक्टिव है, वो जो ज्यूज हैं, यहूदी हैं, या जो क्रिश्चियंस हैं, या जो मुसलमान हैं, तो अब इसके लिए मैं पहले आपको रेकमेंड करूंगा कि रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड का एक जो लेक्चर है ये आपने ऑलरेडी लिया होना चाहिए, वो मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है, और वो मेंशन भी कर दूंगा जब कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर रहा हूंगा कि यार एक बेसिक रिक्वायर्ड होती है ना, कि देखो यानी मेरे पहले लेक्चर में ही मैं 2 पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहा हूँ, और जब आपको दूसरा पर्सपेक्टिव पढ़ा रहा हूँ तो आपको इतना एक जनरल नॉलेज मुझे रिक्वायर्ड होगा कि यार आप लोगों को रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड का पता हो कि दुनिया में कौन कौन से मजाहिब हैं, और उनकी थोड़ी बहुत पता हो कि यार जो ईसाई हैं उनके नबी हजरत ईसा हैं, उनके ऊपर अंजील किताब उतरी है, और अंजील को जो है इंग्लिश में बाइबल कहते हैं, और जो है ना बाइबल जो है ना 4 तरह की होती है, थोड़ी बहुत ही जो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास होनी चाहिए। इसी तरीके से जो है सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर जो है वो आपका जो है वो तौरात है, वो हजरत मूसा पर उतरी है, ज्यूद हैं, यहूदी हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी आपका इस तरीके से सारा आपको जबूर आपको पता होना चाहिए कि जबूर जो है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर उतरी है, ठीक है जी, इसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, ठीक है जी, ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। इस तरीके से आपको सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए बात नहीं करता, ये देखो मैं पढ़ाने वाली बात इसलिए नहीं करता कि कहीं आप परेशान ना हो जाओ,
ठीक है, मेरा मकसद क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जिस दिन आपको पहला लेक्चर पढ़ाऊं ना, बस वो आपका काम क्या होगा कि आपका काम होगा उस लेक्चर को ना, मैं जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स बातें कर रहा हूं याद कर लो, अगर किसी को समझ नहीं आई याद कर लो, मुझे ऑडियो में मैसेज करो सर समझ नहीं आई, मैं दोबारा समझा दूंगा। अब देखो, और उसके लिए अगर कोई बेसिक की रिक्वायरमेंट होगा वो मैं बता दूंगा कि यार ये बेसिक है यार, इतनी तो आपको आनी चाहिए थी, आपको कम से कम बीइंग ए मुस्लिम ये पता होना चाहिए कि सहाबी क्या होता है, सहाबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो ईमान लाया हो आपके साथ, जो है जिसने आपको अपनी जाहिर आपकी जाहिरी हयात में देखा हो और आप पर ईमान लाया हो तो उसको सहाबी कहते हैं। ताबी क्या होता है, जिसने किसी सहाबी को देखा होता है। तबा ताबी क्या होता है, जिसने किसी ताबी को देखा होता है, ठीक है जी। और आइमा कराम क्या होते हैं, जो उनके बाद के होते हैं। तो इतना एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है बीइंग ए मुस्लिम, वो मुझे रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये मुकाबले का इम्तिहान है। और अगर कोई मुझे कहे कि सर मुझे अलीबे भी नहीं आती और मुझे पढ़ा दो, तो ये मैं ऐसी बात नहीं है कि उसके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, लेकिन मुझे जो चाहिए होगा ना, शायद मैं वो बिल्ड नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं उस कैंडिडेट का ज्यादा बेहतर बिल्ड कर लूंगा जिसका थोड़ा सा बेसिक यानी स्ट्रांग है, यानी जिसको साबी ताबी शाबी का पता है, जिसको साहबी का ताबी का आयमा कराम वगैरह का पता है, जिसको इसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है, जिसको साइंस के थोड़े बहुत हल्के फुल्के उसके उसने कभी ना कभी रट्टे लगाए थे, उसके जहन में हल्का फुल्का उनका स्केच अभी भी मौजूद है, और उसने चौथी पांचवीं छठी सातवीं आठवीं की जनरल साइंस पढ़ के उनको दोबारा रिफ्रेश भी कर लिया है, तो उसको कंपेरेटिवली पढ़ाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। मैं उसको, क्योंकि मैं तो यहाँ पर हायर कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ, और मैं जो है जब मैं आपको बता रहा हूँ कि यार आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है। अब मैं सेल का आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, अब आप मुझे कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आप मुझे कहोगे जो है ना वो सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, परमेबिलिटी क्या होती है, आप अब मुझे यहाँ पर खड़े होकर कहोगे तो मैं कहूँगा यार जाओ यार उधर, फोर्थ क्लास की मैंने पढ़ाई हुई है यार वो देख लो। तो अब अगर मुझे, पहली बात है आपको ये जो है ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा कि आप मुझे लेक्चर के दौरान जो है ना इंटरप्ट कर सको, आपके कमेंट्स ऑफ हुआ करेंगे। मैंने जो लेक्चर डिलीवर करना होगा 2 घंटे का होगा 3 घंटे का होगा, मैं ही बोलूंगा, आप लोगों में से ना कोई कमेंट कर सकेगा ना कोई बात कर सकेगा। मैंने जो करना होगा मैं वो करूंगा, उसके बाद आपको अलाउ किया जाएगा। हाँ भाई, अब आपका कोई सवाल है तो पूछूं, क्योंकि आप में से अक्सर लोग मुझे इंटरप्ट करते रहोगे तो फिर बाकी जो बच्चे सुकून से सुन रहे हैं, जिन्होंने जिनकी थोड़ी बहुत जिनको जो जो मैंने रेकमेंड किया है उन लोगों ने वो कर लिया है, तो उनको समझ आ रहा होगा कि हाँ यार सर ने ये कहा था यार चौथी पांचवीं छठी सातवीं आठवीं की साइंस, और सर ने लेक्चर भी दिए थे अपने प्ले लिस्ट के, और सर ने ये भी बताया था कि taleem360.com के ऊपर जो इसकी किताबें हैं वो डाउनलोडेड फॉर्म में मिल सकती हैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में। और जिसने ये किया होगा उसको उसने अपनी उसकी एवरीडे साइंस का कोर्स जो है वो काफी बिल्डअप हो चुका होगा, उसका एवरीडे साइंस का कोर्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं ना, हम बातें जो कर रहे हैं तो हम डिस्कस ही कर लेते हैं बल्कि। सर एक लास्ट बात पूछनी थी, ये अब वो आपको पता है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सीट्स आई हुई हैं, तो अब मैंने उसके अंदर अप्लाई कर दिया है, तो क्या कहते हैं अब मैं उसकी सेपरेट प्रिपरेशन करूं कि आप ही की जो आप करा रहे हैं वही, यानी कि मैं क्या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में क्या आई हैं सीटें? असिस्टेंट की सर आई थी आज ही आई थिंक आई है या कल आई। बेटा वही तो मैं करा रहा हूँ, उसी का तो एक्सपर्ट बना रहा हूँ, मेरे से तैयारी करके उसमें एक एक सीट में बच्चे शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं। अच्छा तो ठीक है सर, ठीक। अच्छा चलो भाई बच्चों, अब यानी सबसे पहले बात ये है कि जिन बच्चों को 10 सब्जेक्टों के नाम नहीं आते तो सबसे पहले वो 10 सब्जेक्टों के नाम सीखें। 10 सब्जेक्टों के नाम कौन से हैं जो वन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? 10 सब्जेक्टों के नाम हैं जी जीके, ज्योग्राफी, 2G, जीके ज्योग्राफी, जीके से मुराद जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से क्या मुराद होती है? जनरल नॉलेज से मुराद होती है कि यानी आप जो है 22 साल के हो गए, 21 साल के हो गए, इस दौरान आपकी इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं, क्या पूरी दुनिया में इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं, ये जनरल नॉलेज कहलाता है। और यानी आपके माशरे के अंदर क्या चीज़ें हैं, आपके रिलीजन के अंदर क्या चीज़ें हैं, आपकी ज़ात को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी इफेक्ट कर रही है, कौन सी चीज़ें आपको इफेक्ट कर रही हैं, इन तमाम चीज़ों के अवेयरनेस जो है वो जनरल नॉलेज कहलाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ज्योग्राफी होता है। ज्योग्राफी क्या होता है जी? ज्योग्राफी जो है ना ये भी एक साइंस की ब्रांच है। इसके अंदर ना आप
एक फिजिकल ज्योग्राफी होती है, एक पॉलिटिकल ज्योग्राफी होती है, एक जो है जियोलॉजी होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ होता है। ज्योग्राफी बेसिकली इसमें मैप्स वगैरह की बात होती है, डेमोग्राफी की बात होती है कि पॉपुलेशन वगैरह कितनी है पाकिस्तान की, इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन के बारे में यानी डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें होती हैं ये इसके बारे में बात होता है। इधर का क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, इधर जो है एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं आपकी अर्थ के अंदर, जो है सूरज क्या असर डाल रहा है आपकी अर्थ के ऊपर, सोलर सिस्टम क्या कर रहा है आपकी ज़मीन के साथ, सोलर सिस्टम में आपकी ज़मीन कहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ज्योग्राफी के अंदर है। हल्का सा आपको समझ आ गया होगा कि ज्योग्राफी क्या होती है, ठीक है जी। उसके बाद जीके हो गया, पहला सब्जेक्ट जी जीके है, दूसरा सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी है, तीसरे नंबर पर ज्योग्राफी के बाद आपका जो है वो इस्लामियात है। इस्लामियात क्या होती है जी आपकी, इस्लामियात जो मुकाबले की इस्लामियात होती है, मुकाबले में इस्लामियात होती है जो, इसको कहते हैं एक तो इसमें आएगा कससुल अंबिया। कससुल अंबिया यानी अल्लाह ताला ने सबसे पहले जी फरिश्तों को पैदा किया, फरिश्तों के बाद जी जिन्नों को पैदा किया, जिन्नों के बाद फिर जी इंसानों को पैदा किया, और फिर इंसानों में जो है हजरत आदम को पैदा किया, और हजरत आदम अल्लाह ताला के पहले नबी थे, और हजरत आदम का कद जो है वो 60 हाथ था, ठीक है जी। और वो जो है हजरत आदम जो है वो उनका जिक्र 25 बार कुरान मजीद में आया है। हजरत आदम को जो है पहले अल्लाह ताला ने उनका जो है बनाया था मुजस्मा, फिर फरिश्तों को कहा कि भाई इसको सजदा करो, सब ने सजदा किया लेकिन इबलीस ने जो है, और ये किस्सा आदम और इबलीस जो है ये सूरतुल बकरा में इसका जिक्र है। फिर उसके बाद जो है इनके हजरत अम्मा हवा की जो है वो पैदाइश हुई, ये इनको जो है ना अबू अल अंबिया कहा जाता है, ये अबू अल बशर कहा जाता है, ठीक है जी, सॉरी अबू अल बशर कहा जाता है इनको, ठीक है जी। इन्होंने पहला कदम श्रीलंका में रखा था। इस तरह की सारी बातें हम करेंगे, और कससुल अंबिया, और यहाँ से करते 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 हम कहाँ पर आ जाएंगे जनाबे वाला, हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आएंगे। लेकिन यहाँ तक आकर फिर हमें और डिफरेंट चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, वो फिर हम कोर्स आउटलाइन के दरमियान डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम हुजूर की जिंदगी को देखेंगे, हुजूर की जिंदगी को जो है हमने जो है तीन फेजेस में इसको जो है तकसीम किया है। पहले नंबर पर जो है वो हुजूर की जो नबूवत, जब ऐलान नबूवत किया उस वक्त तक की जिंदगी, यानी उसे कहते हैं जो है आपकी जो यानी जब तक ऐलान नबूवत नहीं किया, यानी जब हुजूर की 571 एडी से लेकर 610 एडी तक की जो जिंदगी है, ठीक है जी, इसमें क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या क्या मामलात हुए, इन तमाम चीजों को हमने देखना होता है। और उस वक्त जो अरब का कंपोजिशन थी वो क्या थी, अरब के अंदर कौन से ट्राइब्स थे, कौन से मामलात थे, इन चीजों को भी हमने देखना होता है। उसके बाद हुजूर की जो है नबवी जिंदगी आ जाती है, वो 13 साल पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर हुजूर ने जो है और हुजूर के सहाबा ने जो है मक्के के अंदर रहकर जो है दीन और इस्लाम के लिए किस तरीके से काम किया, किस तरीके से मामलात हुए, इन चीजों को हम देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम हिजरत की मामलात को देख लेते हैं, 1 से लेकर 5 हिजरी तक, 5 से लेकर फिर डिफरेंट जो है आपकी 10 हिजरी तक, और फिर विसाल आ जाता है, और फिर उसके बाद जो है खुलफाए राशिदीन आ जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है बनू उमैया आ जाते हैं, फिर उसके बाद बनू अब्बास आ जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है ये इस्लामिक एम्पायर जो है वो डिवॉल्व हो जाती है, जो कि अरब से शुरू होगी और फिर ये जो है डिवॉल्व हो जाएगी, और फिर ये जो है ओतमान एम्पायर यानी बेजेंटाइन के ऊपर चली जाएगी। तो ये हमारा फिर इस्लामियात का पोर्शन तकरीबन ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो जाएगा। फिर यानी तीन सब्जेक्ट हो गए आपके बेटा, एक हो गया आपका जीके जिसे जनरल नॉलेज कहते हैं, दूसरे नंबर पर आपका ज्योग्राफी होता है, और तीसरे नंबर पर आपका क्या होता है जी इस्लामियात होता है, और चौथे नंबर पर जी आपका पाकिस्तान अफेयर्स होता है। अब पाकिस्तान अफेयर्स से क्या मुराद है, पाकिस्तान अफेयर्स से मुराद ये है कि यहाँ पर जी 1500 BC के अंदर आर्यन आए, उससे पहले क्या था जी यहाँ पर कुछ सिविलाइजेशन आबाद थी। कौन सी सिविलाइजेशन आबाद थी, कौन सी सिविलाइजेशन आबाद थी जी, सिविलाइजेशन आपकी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन थी, गंगन सिविलाइजेशन थी, डिफरेंट टाइप की जो सिविलाइजेशन थी यहाँ पर आबाद थी, उन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आर्यंस आ गए। आर्यंस के आने के बाद फिर क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं एंशंट पीरियड, इसको क्या कहते हैं एंशंट पीरियड कहते हैं एंशंट पीरियड, और ये एंशंट पीरियड फिर पहले सिविलाइजेशन का पीरियड, फिर एंशंट पीरियड, फिर एंशंट पीरियड जो है ये आपका एंड होगा। इसमें जो है ना अलेक्जेंडर द ग्रेट आ जाएगा, इसमें जो है गुप्ताज आ जाएंगे, इसमें जो है मौर्याज आ जाएंगे, गुप्ताज आ जाएंगे, फिर इसमें डिफरेंट टाइप की एम्पायर आएंगे, डिफरेंट टाइप के किंगडम आएंगे, और फिर ये करते 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 हम जो है प्री मिडिवल पर आ जाएंगे। प्री मिडिवल क्या होता है, यानी दरमियान से पहले, मेडिवल किसे कहते हैं, दरमियानी, दरमियानी तारीख में दरमियान, ठीक है, तारीख को ना डिफरेंट एरिया के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी उसका एक टर्मिनोलॉजीज है कि यानी एक एंशंट टाइम है, एंशंट टाइम के बाद फिर प्री मिडिवल आता है, प्री मिडिवल के बाद मिडिवल आता है, मिडिवल के बाद जो है आपका क्या आता है जी अर्ली मॉडर्न आता है, अर्ली मॉडर्न के बाद आपका क्या आता है जी मॉडर्न आता है,
अर्ली मॉडर्न के बाद क्या आता है आपका मॉडर्न आता है, मॉडर्न पीरियड। तो इस तरीके से अब प्री मेडिवल क्या है, प्री मेडिवल जब मोहम्मद बिन कासिम ने इधर हमला किया, ठीक है जी, अरब्स ने जब इधर हमला किया उस वक्त यहाँ पर जी जो है ना गुप्ता एम्पायर थी, जो है वो राजा दाहिर की हुकूमत थी, ठीक है, राजा दाहिर की हुकूमत थी, इस तरह के मामलात वगैरह थे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ जी, यहाँ पर जो है गजनवी आए, ये सारे, ये सारा कुछ प्री मेडिवल में आ जाता है। फिर मेडिवल क्या है जी, आपका दिल्ली सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत इधर कायम होती है, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक, ठीक है जी, 1206 से लेकर 1526, ये फिर दिल्ली सल्तनत आ जाते हैं। फिर यहाँ पर मुगल एम्पायर, अब यहाँ पर हिस्टोरियन का थोड़ा सा इख्तलाफ है, बाज़ हिस्टोरियन कहते हैं कि यही मॉडर्न पीरियड शुरू हो जाता है, और बाज़ हिस्टोरियन कहते हैं कि नहीं, मुगलों के बाद जो है ना ये आपका, बाज़ इसको कहते हैं प्री मॉडर्न के तौर पर इसको ले लेते हैं, ठीक है, मुगल पीरियड को, या रेनेसेंस के तौर पर ले लेते हैं, ठीक है जी, इस तरीके से। रेनेसेंस भी एक टर्मिनोलॉजी है, ये बाद में आपको समझा दी जाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है जी, 1857 के बाद, ये मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। बाद लोग 1757 के बाद कहते हैं कि भाई जब जंग प्लासी हो गई और नवाब सिराजुद्दौला को जो है शिकस्त दे दी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बंगाल को टेकअप कर लिया, तो उस वक्त से बाद लोग कहते हैं 1857, हमने इन झंझटों में पढ़ना ही नहीं है। तो हमने इन झंझटों में नहीं पढ़ना, मैं आपको क्लियर एक अपना पर्सपेक्टिव दूंगा और आपको, लेकिन आगाह करना मेरी जिम्मेदारी रहेगी, ताकि आप कहीं पर पढ़ो तो आपको ये ना हो कि सर ने तो ये बताया नहीं था। तो 1857 से जो है 1947 तक इसे क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियड, और 1947 से अब तक ये आपका कंटेम्प्रेरी चल रहा है, यानी हालात हाजरा, यानी पाकिस्तान आजाद हुआ और 75 साल हो गए, इसको कहते हैं आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की जो कंटेम्परेरी हिस्ट्री है, इसको पाकिस्तान की कंटेम्परेरी हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है जी। तो हालात हाजरा कहते हैं इसे, हम असर जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, ठीक है जी, असर जमाने की जो हिस्ट्री है इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये पाकिस्तान अफेयर हमारी हो जाएगी, ये पाकिस्तान अफेयर हो जाएगी। उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ, आपका जीके होता है, ठीक है जी, जीके के बाद आपका ज्योग्राफी होता है, ज्योग्राफी के बाद आपका इस्लामियात होता है, इस्लामियात के बाद आपका पाकिस्तान अफेयर होता है, और इन सबसे पहले जो है, या पांचवें नंबर पे चलो हम कर लेते हैं, एवरीडे साइंस। तो इन आपका जीके, आपका ज्योग्राफी और आपका पाकिस्तान अफेयर, इन तीनों के साथ आपकी एवरीडे साइंस बेटा जुड़ती रहेगी, एवरीडे साइंस जुड़ती रहेगी, कि एवरीडे साइंस मुझे पाकिस्तान अफेयर्स में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे जो है जीके के अंदर भी इसकी जरूरत पड़ रही होगी, मुझे जो है ज्योग्राफी के अंदर भी इसकी जरूरत पड़ रही होगी। जब मैं आपको कंडेंसेशन पढ़ा रहा हूँ, जब मैं आपको जो है सब्लिमेशन पढ़ा रहा हूँ, जब मैं आपको कन्वेक्शन पढ़ा रहा हूँ, जब मैं आपको एडवेक्शन पढ़ा रहा हूँ, जब मैं आपको कन्वेक्शन पढ़ा रहा हूँ, अब आप इसको जो है फिजिक्स की टर्मिनोलॉजीज ले रहे हो, या आप, मैं इसको ज्योग्राफी के साथ मिक्स कर रहा हूँगा, तो आपको आपको इसको जो है करना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी अगर कॉन्सेप्ट होगा कि कंडक्शन क्या होती है, कन्वेक्शन क्या होती है, आपने चौथी पांचवी छठी क्लास की किताब, सातवीं आठवीं क्लास की किताब में से सुन लिया होगा इसको, तो फिर तो बड़ा अच्छा होगा, मुझे भी मजा आ रहा होगा, आपको भी मजा आ रहा होगा, और साथ ही लेक्चर के साथ साथ ही आपको याद भी हो रही होंगी चीजें। तो एवरीडे साइंस के ऊपर मेरा फोकस रहेगा और उसी को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एवरीडे साइंस कनेक्ट है किसके साथ जी, पाकिस्तान अफेयर के साथ, जीके के साथ, ज्योग्राफी के साथ, और उसके बाद जो है आपकी करंट अफेयर्स के साथ, इन चार सब्जेक्ट के साथ ये एवरीडे साइंस जो है वो कनेक्ट है, और इस्लामियात। तो बेटा ये जो 6 सब्जेक्टों के नाम मैंने लिए हैं ना, तो इनको बेटा इकट्ठा पढ़ा जाता है। अगर आप कहो कि इस सेशन में हम इन सब्जेक्टों को अलग-अलग इनकी बाउंड्रीज डिफाइन कर दो, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है बीइंग ए कंपेरेटिव एग्जामिनेशन टीचर और स्टूडेंट, तो मुझे पता है कि इन तमाम की बाउंड्रीज आपस में कोलाइड हो रही है, ये आपस में इंटरलिंक है, इनका लिंकेज अगर ना बिल्ड किया जाए और इनका कॉम्बिनेशन को ना देखा जाए, तो पीपीएससी की तैयारी या वन पेपर की तैयारी या एफपीएससी की तैयारी या पीएमएस की तैयारी हो ही नहीं सकती। किसी भी मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी में इन 6 सब्जेक्टों को इकट्ठा मिलाकर पढ़ा जाता है, ठीक है जी। अब उसके बाद बाकी रह गए आपके 4 सब्जेक्ट, उन 4 सब्जेक्टों में पहले नंबर पर आपके आ गया जी कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड है, और जिनका कंप्यूटर फील्ड नहीं है उनको भी थोड़ा बहुत तो कंप्यूटर के बारे में पता होगा। तो कंप्यूटर को हम जो है बेसिकली कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर, अगर मैं वन पेपर के अंदर बात करूं या एफपीएससी के अंदर बात करूं, तो इसको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि कंप्यूटर की एक हिस्ट्री है कि कंप्यूटर यानी सबसे पहले आपकी कैलकुलेटिंग मशीन आई आपका, उसके बाद जी आपकी कोई इन्वेंशन हुई, कुछ इन्वेंशन हुई, चार्ल्स बबेज ने एक जो है एनालिटिकल इंजन बना दिया, डिफरेंस इंजन बना दिया 1822 के अंदर, और फिर जो है इस तरीके से ये मामला चलते रहे, और फिर इस तरीके से जो है आपका एलन ट्यूरिंग आया,
उसने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना दिया, मॉडर्न कंप्यूटर बना दिया, डिफरेंट टाइप की चीजें की। तो इस तरीके से हम एक पूरा लेक्चर रखेंगे जो हिस्ट्री के ऊपर और थोड़े से क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो कंसिस्ट कर रहा होगा कंप्यूटर का। उसके बाद हम इसकी जनरेशन को देख रहे होंगे कि यार इसकी कौन कौन सी जनरेशन है। कंप्यूटर को 5 जनरेशन के अंदर ना डिवाइड किया गया है, तो उन जनरेशन को हम देख रहे होंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। इनकी ड्यूरेशन को देख रहे होंगे और इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से तब्दील हो रहे हैं उनको देख होंगे और इनके अंदर क्या एवोल्यूशन हो रहा है उस चीज को देख रहे होंगे। और ये सारा का सारा पोर्शन कहलाएगा हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फिर हम कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे होंगे कि कंप्यूटर किन चीजों से मिलकर बना है और उन चीजों का क्या जो है वो फंक्शन है कंप्यूटर के अंदर। तो इन तमाम चीजों को देख रहे होंगे, तो ये भी हमारा जो है फंडामेंटल का पोर्शन होगा। और इसके आपको 67 पेजेस के इकरा बिलाल एजुकेशन सिस्टम के नोट्स भी मिलेंगे और साथ में आपको इसके तकरीबन जो है 10 से 15 लेक्चर भी मिलेंगे। ठीक है जी, 10 से 15 आपको लेक्चर भी मिलेंगे और फंडामेंटल्स के ऊपर आपको जो है बेहतरीन तरीके से क्लियर करवाया जाएगा फंडामेंटल्स को। अब जो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स की आपको बात समझ आ चुकी होगी। अब कंप्यूटर के अंदर दूसरा जो पोर्शन आपके पास आ जाता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर ही आप इसे ले लें या अलग से, इंटरनेट, ईमेल। इंटरनेट, ईमेल, इंटरनेट और ईमेल। इंटरनेट कब आया, इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, ब्राउजर्स के बारे में पता होना चाहिए, इंटरनेट की एप्लीकेशंस के बारे में पता होना चाहिए। इन तीनों चीजों का आपको पता होना चाहिए और इंटरनेट में मौजूद जो नेटवर्क्स होते हैं, नेटवर्क कौन कौन से होते हैं, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, लैन क्या होता है, इन चीजों के बारे में, इंट्रानेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्या होता है, ये तमाम चीजों के आपका इसके अंदर कौन कौन सी टोपोलॉजीज यूज होती है, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, डिफरेंट टाइप की जो टोपोलॉजीज इसके अंदर यूज होती हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजों का जब तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर का ये नेटवर्क का पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा। TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होता है, 7 लेयर ऑफ OSI मॉडल क्या होता है, इस तरीके से ये सारा का सारा आपको डिक्रिप्शन क्या होती है, इनक्रिप्शन क्या होती है, साइफर क्या होता है, डिसाइफर क्या होता है, स्विचिंग क्या होती है, किस तरीके से राउटर क्या होता है, ये तमाम चीजें आपका जो है वो स्विच क्या होता है, आपका ब्रिज क्या होता है, ये तमाम हब क्या होता है, ये तमाम जो नेटवर्किंग की डिवाइसेस हैं इनको भी हमने देखना है, नेटवर्किंग की हिस्ट्री को भी देखना है और नेटवर्किंग के मॉडल्स को भी देखना है। तो नेटवर्किंग का पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन और जिसकी बहुत ज्यादा अहमियत है मुकाबले के इम्तिहान में, स्पेशली अगर मैं बात करूँ 1 पेपर के अंदर, तो वो है जी आपका MS Office। अब MS Office के अंदर अब इस इंटरनेट और ईमेल के ऊपर भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके अलावा लेक्चर भी अवेलेबल है और आपको लेक्चर मैं लाइव भी दूंगा। तो आपको ये तमाम चीजें जो है वो दी जाएंगी और उसके बाद आपको नोट्स भी और आपको ये शॉर्टी दी जाएगी कि यार इसी में से आएगा इंशाल्लाह, और बड़ा मुख्तसर होगा, इतना ज्यादा जो है एलोंगेटेड नहीं होगा, लंबा नहीं होगा जी। उसके बाद जो है अब हम देख लेते हैं जी MS Office। एमएस ऑफिस के हमने बेसिकली 3 कंपोनेंट्स को करना है कंप्यूटर के अंदर। पहला जो हमारा कंपोनेंट है एमएस ऑफिस का, उसे कहते हैं MS Word। ये सबसे इंपॉर्टेंट है MS Word और ये सबसे लेंथी है। इस एमएस वर्ड के हम तकरीबन जो है 500 क्वेश्चन जो है वो कर रहे होंगे। इसमें से एक हम इकरा बिलाल एजुकेशन सिस्टम के जरिए से मैंने ना एक बच्चे से टाइप करवाए हैं नोट्स, तो वो क्या है कि जैसे आपने स्टूडेंट सक्सेस पर देखा होगा, तो स्टूडेंट सक्सेस पर बिल्कुल वैसे ही मैं आपको परफॉर्म करवा रहा हूँगा, लेकिन मेरे अंदर तब्दीली क्या होगी कि मैं आपको PPSC 1 पेपर या FPSC फोकस कर रहा हूँगा। और मैं आपको पहले ये रेकमेंड करूंगा कि यार अगर आप लोग करना चाहते हो तो मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगा, मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगा, उसका पूरा का पूरा इंटरफेस आप लोगों को याद होना चाहिए। और आपको रेकमेंड करूंगा कि यार आप लोगों ने भी पूरा का पूरा इंटरफेस इस तरीके से याद करना है जिस तरीके से आपके उस्ताद को याद है, ठीक है। उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को कर लेंगे, आप लोग भी कंप्यूटर खोल के रखिएगा, आपको मैं पहले कंप्यूटर के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा कि यार ये कंप्यूटर के नोट्स हैं, इनको सामने खोल के रखो, कंप्यूटर की स्क्रीन खोल के रखो और आओ यार चलो करते हैं, ये वाला पहला सवाल है, इसका ये जवाब है, इसका ये दूसरा सवाल है, इसका ये जवाब है, इस तरीके से उनको परफॉर्म भी करते जाएंगे, आप लोग भी परफॉर्म करते जाओगे और चीजें हमारी बेहतरीन होती जाएंगी, ठीक है जी। और फिर उसके बाद हम इसी तरीके से एक्सेल को करेंगे, एक्सेल के हम तकरीबन 300 क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद फिर हम पावर पॉइंट के जो है तो 300 क्वेश्चंस करेंगे और फिर हमारा जो है एमएस ऑफिस कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग के कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे और उसके ऊपर आधे एक घंटे का हम एक लेक्चर जो है वो ले लेंगे और कंप्यूटर का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है वो भी आपको दिखा दिए जाते हैं अभी। अब उसके बाद रहेगी आपकी कंप्यूटर होगी, ये पहला एक ऐसा सब्जेक्ट जो इंडिपेंडेंटली पढ़ा जा सकता है,
यानी वो जो 6 सब्जेक्ट थे उनको इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ा जा सकता था, उनको मैं एक रिदम में पढ़ाऊंगा, और वो क्या रिदम होगा, उनके क्या कोर्स कंटेंट होंगे, वो अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसके बाद आपकी बात हो गई जी कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि ये किस तरीके से हमने लेकर चलना है। अब कंप्यूटर के बाद हम देख लेते हैं आपके पास जो है इंग्लिश। अब इंग्लिश में आपको ये पता होना चाहिए कि मुकाबले के इम्तिहान में, अब मैं पीएमएस या सीएसएस की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ वन पेपर की एसपीएससी और पीपीएससी की बात करूंगा। अब इंग्लिश में जो हमारे पास होता है सबसे जो बुनियादी चीज है, सबसे पहली जो चीज है इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के अंदर जो पहली चीज है वो आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब सिनोनिम और एंटोनिम्स के ऊपर आप लोगों को बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं, आपको डिफरेंट टाइप की फाइल्स, डिफरेंट टाइप की वीडियोस इंटरनेट पर मिलेंगी। तो अब मैंने उन तमाम चीजों का एक हल आप लोगों को दिया है, एक क्या एक 190 पेज की फाइल दी है, मैं मानता हूं बहुत बड़ी फाइल है, मैं मानता हूं, और उसको करने के लिए मैंने एक वेबसाइट आप लोगों को बताई है निमोनिक्स, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के निमोनिक्स के जरिए से जीआरई वर्ड्स को याद कराया गया है। ये जीआरई वर्ड्स में से ही, और ये इसके इसकी एक और फाइल भी मैं आप लोगों को मैंने भेजी है, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड जो मोस्टली रिपीटेड होते हैं, ठीक है जी, जो रिपीट होते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इसमें एग्जाम वेटा के मैंने सेक्शन आप लोगों को करवाए हैं, 2 सेक्शन आपके जो है यूट्यूब के ऊपर मेरे पब्लिक भी पढ़े हैं, ठीक है, उनको भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से पब्लिक पढ़े। उसके बाद जो है आपका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश के अंदर सिनोनिम और एंटोनिम हो गए। अब सिनोनिम और एंटोनिम, फिर उसके बाद हो गई ईडियम। ईडीएम के ऊपर आपको मैं भी नोट्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अगर आप वो 190 पेज के कर लेंगे तो आपके ईडीएम भी क्लियर हो जाएंगे, उससे आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिर भी मेरे जो नोट्स हैं वो आप लोगों को मैं दे दूंगा, ताकि आप उधर से देख लो यार, जो हल्का सा डिफरेंस हो उन वर्ड्स का, आप उधर से वेरीफाई कर लो कि यार ये इस तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आती है। इसी तरीके से एनोलॉजीज, तो एनोलॉजीज भी वही 190 पेज से ही आपके क्लियर हो सकते हैं, लेकिन एनोलॉजीज के भी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप डिफरेंस को देख लो। इस तरीके से जो है आपके वर्ड मीनिंग, तो वो भी इंशाल्लाह उसी जो है क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उसको भी हम नोट्स में आपको दिखा देता हूँ वो कौन से हमारे पास हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसके लिए जो है अगर आप लोग कहोगे तो इंशाल्लाह हम जो है 10 से 15 जो है मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को आपको क्लास के दौरान, क्लास से पहले, हर क्लास से पहले 10 से 15 मेरे मुंह से भी आप सुन लीजिएगा, ठीक है, उसी फाइल में से, उसी फाइल को हम भी डेली क्लास से पहले 10 वर्ड को हम भी देख लिया करेंगे, ताकि मेरे भी रिवाइज रहें और आपके भी रिवाइज रहें। हम एक ये एक्सरसाइज इंग्लिश के लिए हम अपने जिम्मे ले लेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए, ठीक है, कि हम डेली 10 वर्ड्स को 15 मिनट के अंदर अंदर हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि 10 से 15 जो भी 20 वर्ड्स हैं वो हम कर लें, 15 या 20 वर्ड्स हो जाएं मैक्सिमम। तो इस तरीके से हम, मैं ये इस हवाले से आपकी ये मदद करूंगा। अब उसके बाद ये तो हो गया जी इंग्लिश का स्टैटिक पार्ट, ये इंग्लिश का हो गया स्टैटिक पार्ट। अब इंग्लिश के स्टैटिक पार्ट के बाद मैंने आपको बताया कि इंग्लिश का एक ग्रामर का पार्ट होता है जिसमें शामिल होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिसमें जो है नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, और उसके बाद जो है आपका प्रीपोजिशन होता है, इंटरजेक्शन होता है, कंजंक्शन होता है, और ये 8 जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होना और इनकी टाइप्स के बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें अब मेरी नाउन की वीडियो और प्रोनाउन की वीडियो पड़ी है, बाकी भी मैं कोशिश करूंगा, या आपको ज़ैबुन्निसा और आमिर साहब जो है ये आपको लाजमी जो है वो इसके बारे में छोटी छोटी हल्की हल्की, क्योंकि अब इंग्लिश बहुत ज्यादा डेप्थ में हम चले जाएंगे तो आपके ऊपर आप फिर दोबारा बर्डनाइज हो जाओगे, बर्डनाइज हो जाएंगे। मेरा मकसद है कि आपको बर्डनाइज ना करना, बर्डनाइज ना करना। तो आपने रेफरेंस के तौर पर हम इसमें क्या चीजें देख सकते हैं, रेफरेंस के तौर पर हमने जो है मैंने आपको बताया कि रानी इंग्लिश विद रानी मैम, मनीषा बंसल, और उसके बाद जो है कपिल देव शर्मा, जिनकी बेसिक बिल्कुल कमजोर है, जिनकी बेसिक बिल्कुल कमजोर है वो क्या करेंगे जी, वो कपिल देव शर्मा को जो है वो स्टार्ट करेंगे, वहां से पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिल्ड करेंगे, और उसके बाद फिर जो है 60 रूल्स ऑफ रानी मैडम जो है वो देखेंगे, फिर 120 रूल्स ऑफ मनीषा बंसल देखेंगे। तो इस तरीके से उनकी इंग्लिश की ग्रामर की थोड़ी बहुत ही सेंस बन जाएगी। उसके बाद वो फिर तालीम 360.com वेबसाइट जो है
उससे दो किताबें उनको नजर आएंगी, एक ई कैट की जो इंट्री टेस्ट में करवाई जाती है उसकी सारी एक्सरसाइजेस करके देखेंगे, वेबसाइट्स पर जाएंगे इंग्लिश के टेस्ट अटेम्प्ट करके देखेंगे, प्रीपोजिशन को करके देखेंगे, डिफरेंट चीजों को अप्लाई करके देखेंगे और इंशाल्लाह उनको महसूस होगा कि उनकी जो ग्रामर है वो पॉलिश अप हो गई है। अब ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो सेंटेंस की टाइप होती है। सेंटेंस की टाइप आप कौन सी होती है जी, आपके पास सिंपल सेंटेंस होते हैं, आपके कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, ये इसकी एक ये टाइप है सिंपल सेंटेंस। और दूसरे उसके बाद क्या होते हैं जी सेंटेंस की टाइप, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, कंडीशन जीरो होती है, कंडीशन वन होती है, कंडीशन टू होती है, कंडीशन थ्री होती है। उसके बाद आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज होते हैं, और उसके बाद आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, उसके बाद आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ये सेंटेंस की कुछ डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, इस तरीके से सेंटेंस की आपकी कुछ टाइप्स होती हैं और सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स मैंने आप लोगों को बताई हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन एक कैंडिडेट को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो है आपकी ग्रामर के अंदर जो है तीसरे नंबर पर आपके आ जाते हैं टेंसेस, और टेंसेस में आपके प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, ये वाले जो है ये 12 टेंस आपके होते हैं, और इनकी आपको एक एडवांस अंडरस्टैंडिंग जो है होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके आप जो है इसको कपिल देव शर्मा, मनीषा बंसल से और उधर से आप देख सकते हैं, और इसको इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा कि इस सेशन में आपको लाजमी कुछ ना कुछ इस बारे में प्रोवाइड करूं, बेशक सेशन के एंड पर प्रोवाइड कर दूं, तो लाजमी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पीपीएससी का वर्जन आपके सामने रख सकूं कि यार पीपीएससी में ये थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है यार, उन्होंने जो पढ़ाया है तो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस तरीके से हम इंशाल्लाह इंग्लिश के ऊपर काम करेंगे, और इन तीनों चीजों को जोड़कर जो ग्रामर बनती है और वो ग्रामर आपके अंदर अब्सॉर्ब कैसे होती है, ये आपको थोड़ा सा मैं रिप्रेजेंटेशन इसकी दिखाऊंगा, इसमें एरर करेक्शन मैं आपको करके दिखाऊंगा, एरर करेक्शन या पीपीएससी के जो पास्ट पेपर में आई है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो एफपीएससी के अंदर आया है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको वो तमाम चीजें जो है वो क्लियर करवा के दूं लाजमी तौर पर इंग्लिश के अंदर। अब आपकी रह गई बात जी मैथ, तो मैथ के अंदर हमारी एक फाइल है जो जिसमें हमने टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस को डिवाइड किया है, मैथ की फाइल को हम सबसे पहले 2021 के अंदर आने वाले जो सवाल हैं उसको एक बारी मैं करवाऊंगा, एक बार मुबशिर करवाएगा, एक बार आपको शकूर करवाएगा, एक बार आपको साजिद करवाएगा, एक बार आपको आसिम करवाएगा, फिर क्या करूंगा जी आपके ग्रुप के अंदर ये जो मेरे 8-10 मैथ के मेरे एक्सपर्ट हैं जो मेरे से ही पढ़े हैं और जिन्होंने बेहतरीन अपनी मैथ को ऐसे कर लिया है कि पूरी पूरी एग्जाम बेटा उन्होंने की है, पूरी की पूरी उन्होंने जो जो चीजें उन्होंने और उन्होंने मैथ के सारे की सारी चीजों को इस काबिल बन गए हैं कि वो मैथ अब लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो उन 10 लोगों के आपको नंबर शेयर किए जाएंगे। अब किसी स्पेसिफिक बच्चे का बहुत प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, वो जो है आसिम की सर्विसेज ले लेगा, वो शकूर की सर्विसेज ले लेगा, वो जो है साजिद की सर्विसेज ले लेगा। साजिद, शकूर और ये मुबशिर, ये आपको एक दिन के अंदर लाजमी 1-2 घंटे देने के लाजमी पाबंद होंगे इसी सेशन की फी के अंदर, इसी सेशन की। और अगर कोई चाहता है कि भी ये हमें डेली पढ़ाएं और इसकी सर्विसेज अगर उनकी लेना चाहता है तो वो उनसे फिर पर्सनल लेवल पर बात भी कर सकेगा, यार मुझे जो है ना डेली पढ़ाओ, एक महीने के लिए मुझे मैथ करवाओ, यार मेरे से मुझे नहीं, मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा यार, मेरा दिमाग चलवाओ मैथ में, तो वो उनको सेपरेटली जो है, और वो कम होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। अगर किसी का, ज्यादातर बच्चों का मैं ही मसला हल कर दूंगा इंशाल्लाह 2021 की जब मैं करूंगा, और एवरेज का एक सेक्शन होगा ये भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। और उसके अलावा पीपीएससी के कुछ पास पेपर के क्वेश्चन होते हैं, ये इन तीन चीजों से मिलाकर मैंने मैथ की फाइल बनाई है। एक 2021 के सवाल जो अभी आए हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, ये पहले पहले नंबर पर उस फाइल में लगे हुए हैं। दूसरे नंबर पर ये जो टॉपिक वाइज सवाल हैं ये, तीसरे नंबर पर वो जो पास पेपर के सवाल हैं वो, इसमें एफपीएससी के अंदर तमाम आने वाले सवाल जो 20 नंबर की कस्टम इंस्पेक्टर के अंदर, इंस्पेक्टर एफआईए के अंदर या डिफरेंट टेस्ट के अंदर जितनी भी आपकी जो है आती हैं वो तमाम चीजें जो है वो आपकी क्या करवाई जाएंगी, कवर करवाई जाएंगी। उसके बाद जो है एफपीएससी का, पीपीएससी का, इंशाल्लाह आपका तमाम का जो है ये मैथ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका उर्दू। अब उर्दू के हवाले से बहुत सारे कैंडिडेट्स का शिकवा होता है कि सर हमारे 6 नंबर आते हैं, हमारे 7 नंबर आते हैं, तो बेटा बात ये है कि उर्दू के अंदर अगर आप 10 में से 10 लेना चाहते हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जो मार्केट में लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आप लोगों को।
अब उर्दू के कोर्स को तो मैंने आप लोगों के सामने डिफाइन किया है, मेरी प्रीवियस कोर्स आउटलाइन भी पड़ी है कि उर्दू के अंदर एक तो हम तारीख को, हमारे लिए उर्दू की तारीख को, कि जब यहाँ पर मुगल इंटरवेंशन हुआ, जब दिल्ली सुल्तानों का इंटरवेंशन हुआ तो उर्दू ने जन्म लेना शुरू हुआ और अमीर खुसरो हमें पहले मशहूर शायर डेवलप होते हुए नजर आए, और उसके बाद हमने देखा कि एक आदिल शाही डिनास्टी में और कुतुब शाही डिनास्टी में जो है बहुत सारे शौरा निकले, उनमें से जो है सैयद कुली कुतुब शाह जो थे वो आपके एक बादशाह भी थे और वो शायर भी थे, साहिब दीवान शायर थे। और उसके बाद हमने देखा कि एक जो है दो जो आपकी जो है एक दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनऊ, यानी दहली जो है ये एक कैपिटल था और इसके अंदर जो है अदब के बारे में बड़ा जौक रखा जाता था, तो जितने भी अदीब थे, जितने भी शोरा थे और जितने भी ये जौक रखने वाले थे अदब के लिए तो इन तमाम का जो है वो क्या था, दिल्ली के अंदर जो है इनकी बैठक थी और इस बैठक को क्या कहा जाता था, दबिस्तान दिल्ली, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर बैठ कर जो है महफिलें सजाते थे और इन्होंने उर्दू शायरी के ऊपर और उर्दू के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया और उर्दू को डेवेलप करने के हवाले से। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जब दिल्ली को मुख्तलिफ हुक्मरानों ने लूटा, जिनमें नादिर शाह है, अहमद शाह अब्दाली है, लूटा या उन्होंने हमला किया, जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, जब उन्होंने इधर हमला किया तो ये जो शायर लोग होते हैं ये हमलों की वजह से परेशान हो जाते होते हैं, तो दबिस्तान दिल्ली जो है वो शिफ्ट हो गया दबिस्तान लखनऊ में। तो ये लखनऊ जो है वो वहां पर स्टेट ऑफ औध थी और जो नवाब वाजिद अली शाह थे वो इलम के साथ और इन चीजों के साथ बड़ा जौक रखते थे और उनकी कदर करते थे, तो सारे के सारे जो इलम और अदब के साथ जो ताल्लुक रखने वाले लोग थे इन्होंने फिर लखनऊ का कर लिया और फिर हमें दबिस्तान लखनऊ जो है शोरा के एतबार से हमें मिलता हुआ नजर आएगा। अब उर्दू को ये तो एक तारीख हो जाएगी उर्दू की, जिसको आपको पढ़ाया जा सकता है, बताया जा सकता है, एक लेक्चर में डिलीवर किया जा सकता है। अब दूसरे नंबर पर है उर्दू ग्रामर। अब उर्दू ग्रामर में से मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि पांचवी क्लास की उर्दू ग्रामर मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, मैं आपको करवा भी दूंगा, आप लोगों ने भी उसे अच्छे तरीके से कि यार ये अल्फाज क्या होते हैं, ये हर्फ क्या होता है, यार ये हिज्जे क्या होते हैं, यार ये 37 हरूफ क्या होते हैं, ये अलिफ बे याद करोगे और उसके बाद जो है ये जुमले क्या होते हैं, ये मुहावरे क्या होते हैं, ये सारा का सारा थोड़ा बहुत हाउ नाउ आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जी हम क्या करेंगे, हम उसके बाद करेंगे जो एक इकरा बिलाल के नोट्स हैं उसके अंदर 2021 के पेपर सबसे पहले, उसके बाद तरतीब लगा दिए, शौरा को अलहदा कर दिया, तसानीफ को अलहदा कर दिया, सब चीजों को अलहदा कर दिया और फिर अब आपका ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, फिर कारवान की किताब के अंदर जो तसानीफ दी हुई है वो भी हमने तैयार कर ली और फिर उसके बाद जो है उसके अंदर जो अवलियात दी गई है कि उर्दू का पहला शहर ये, उर्दू का पहला दे ये, सारा वो भी 2 पेजेस 3 पेजेस हैं उनको भी याद कर लिया, तो हमने अपना डेटा बैंक बढ़ाया उर्दू का। इसके ऊपर 15 दिन की इन्वेस्टमेंट से बजाय हमने 20 दिन की इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो फिर इस तरीके से आपके जो है 10/10 हो सकते हैं या 9:1 हो सकते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद हमने क्या करना है जी, तीसरे नंबर पर ग्रामर। ग्रामर के ऊपर हमने स्पेसिफिकली इसके ऊपर काम करना है, हमें पता होना चाहिए इल्मे बयान क्या होता है, तशबी क्या होती है, इस्तारा क्या होती है, किनाया क्या होती है, तशबी के अरकान, मुशब्बा क्या होती है, मुशब्बा बे क्या होती है, मुशब्बा लय क्या होती है, ठीक है, इस्तारा उधार लेना क्या होता है किस तरीके से, फिर इस्तफामिया क्या होता है जी, फिर आपके पास जो है सेमी कॉलन जो है आप जो है सेमी कॉलन क्या होता है उसे उर्दू में क्या कहते हैं जी, खत्मा क्या होता है, रब्ता क्या होता है, फिर आपका जो है सकता क्या होता है, फिर जो है कौमा क्या होता है, ठीक है जी, वक्फा क्या होता है, इस तरीके से सारी की सारी चीजें आपको इस चीज को ग्रामर को यहाँ से हम शुरू करेंगे और कौसैन क्या होते हैं, वावैन क्या होते हैं, ये सारी चीजें उर्दू की जो है ना उर्दू ग्रामर की हल्की हल्की चीजें हमें पता होनी चाहिए और इसके लिए सोर्सेज क्या हैं, सारी चीजें क्या हैं। तो ये बेटा 10 सब्जेक्ट हैं, मैं 10 सब्जेक्टों का नाम जल्दी से आप लोगों के सामने रिवाइज कर देता हूँ। इनमें पहले नंबर पर जीके है, दूसरे नंबर पर ज्योग्राफी है, तीसरे नंबर पर ज्योग्राफी के बाद जो है तीसरे नंबर पर आपकी इस्लामियत है, चौथे नंबर पर जो है आपकी पाकिस्तान अफेयर है, पांचवें नंबर पर आपकी एवरीडे साइंस है और छठे नंबर पर आपकी करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स को मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया कि यही 5 चीजें मिलकर करंट अफेयर ही बनाती हैं आपकी, ठीक है जी। अब सातवें नंबर पर आपकी जो है सातवें नंबर पर आपकी आ गई है जनाबे वाला जो कंप्यूटर को हमने डिस्कस किया उसकी पूरी कोर्स आउटलाइन को, और आठवें नंबर पर आपकी कंप्यूटर के बाद जो है आपकी इंग्लिश को डिस्कस किया, इंग्लिश के बाद हमने मैथ को डिस्कस किया और मैथ के बाद हमने उर्दू को डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन 10 के 10 सब्जेक्ट्स के नाम को अच्छे तरीके से याद करेंगे और ये मैंने जो मुख्तसर सी बात की इनके बारे में इसको नोट डाउन करेंगे ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि यार हमारा ये एरियाज हैं। अब इनके लिए हमारे पास सोर्सेज क्या अवेलेबल हैं और हमारे लेक्चर के कंटेंट क्या रहेंगे वो आपको दिखा देते हैं। अभी इसके बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग
फायदा और अदनान कुछ बात करना चाह रहे हैं, मैं अभी माइक अलाउ करता हूं, अगर कोई और भी बात करना चाहता है इस बारे में तो बात कर सकता है। हाँ अदनान, सर मेरे क्वेश्चन इनके रेलिवेंट तो नहीं थे, दो तीन क्वेश्चंस थे, आप जब पहले डिस्कशन कर रहे थे तब से मैंने हैंड रेस किया हुआ, तो अगर आप अलाउ अदनान आपके साथ मेरी बात हुई नहीं पहले? सर जी हुई है, लेकिन सर जो आज मेरे माइंड में सर दो क्वेश्चन आए थे मैं वो पूछना चाह रहा था स्पेसिफिकली। आपको दिखाता हूँ मेरे पास यार इसके रेलिवेंट रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है, मेरे पास क्या है, मैं जरा उसको सेटअप कर लूं। सर जी जी आदिल भाई, सर इस तो सारे सेशन में हम जो पास पेपर्स हैं उस पे कितना रिलाई करेंगे, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का पेपर देने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि पास पेपर्स की तरफ तो हमें जाने नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी सरप्राइज मिल सकता है। पास पेपर तो मैंने कभी पढ़ाए नहीं, मैं एमसीक्यूज कभी एक बार भी नहीं पढ़ाया, मुझे बच्चे बहुत कहते हैं सर पास कोई एमसीक्यूज भी पढ़ाया करें, वो तो मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ। MCQs आपको बताऊंगा, आप पढ़ते रहना MCQs, जब आपको सारे टॉपिक आ जाएंगे फिर आप MCQs की सारी किताबें खरीदते रहना और उनको सारियों को देखते रहना, आपको सारे सवाल आते होंगे उन किताबों के, जब मेरे से पढ़ चुके होगे तो वो सारी किताबें आपको कारवान की भी आती होंगी, इम्तियाज शाहिद की भी आती होंगी, इंसाइक्लोपीडिया भी आपको आता होगा, तो प्रैक्टिस के लिए उनको पढ़ते रहना, सेशन के बाद जब पेपर वगैरह देने जाना तो लाजमी उनको पढ़ते रहना, आप लोग उसकी प्रैक्टिस वगैरह करते रहना आप लोग। फायदा सफदर बोलो, फायदा सफदर बात करें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मुझे ये बात करनी थी, मैंने FPSC में और FIA में भी असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो सर उसको अप्लाई किए ऑलमोस्ट 4 महीने हो चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि पेपर अब पास पास हो शायद कंडक्ट होने वाला है। पास नहीं है बेटा, ना FIA और ना ही FPSC। FIA FPSC एक ही चीज है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो इसके लिए सर फिर जो हम प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे तो सारा कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, इसके हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, और सर इसके अलावा जो लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के पेपर होते हैं वो, हां उसका भी इंशाल्लाह कुछ पोर्शन तकरीबन 40 एक नंबर का पोर्शन कवर अप हो जाएगा। ठीक है सर, तो सर इनके पेपर कब तक एक्सपेक्ट है? जी क्या कह रही हैं फायदा आप? सर जी जी सर इनके पेपर कब तक एक्सपेक्टेड हैं? लेक्चरर के नो सर, ये असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट का जून में, जून जुलाई में। अच्छा जून जुलाई में, ठीक है सर जी। ओके सर थैंक यू। अच्छा तो अब मैं आप लोगों को सॉरी वो बात हमारी हो चल, आप अब मेरी स्क्रीन देख सकेंगे, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर आपको। ठीक है अच्छा ये बेटा एक ना कोर्स आउटलाइन है आप लोगों के लिए, देखें ये मैं ना तो अब मेरी बात जरा आप लोग गौर से सुनिएगा ताकि आपको चीजें समझ आ सकें।
ये इकरा बिलाल एजुकेशन सिस्टम के 4 मंथ की हम कोर्स आउटलाइन जो मैंने इस बार आप लोगों के लिए डिजाइन की है। अच्छा, एक थी थर्ड सेशन मेरी कोर्स आउटलाइन, एक थी मेरी फोर्थ सेशन की कोर्स आउटलाइन। अब ये जो है ये अब सिक्स्थ सेशन की कोर्स आउटलाइन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने जो फोर्थ सेशन की और थर्ड सेशन की जो कोर्स आउटलाइन थी उसको मैंने 10 वीडियो में डिवाइड किया था और मैंने बोर्ड पर खड़े होकर मैंने उनको उसको डिलीवर किया था। अब उन तमाम को ना मैंने एक वीडियो में एडिट करवाया है और एक जो है एक ही वीडियो उसकी बनवाई है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, पहले थर्ड सेशन की और फिर फोर्थ सेशन की। उसमें मैंने काफी कुछ उसके बारे में बताया है और क्लियर करने की कोशिश की है कि ये वन पेपर क्या होता है। और अब ये जो सिक्स सेशन को मैं करने जा रहा हूं तो इसमें क्या तब्दीलियां आ रही हैं और क्या मैं कोशिश करूंगा उनको भी थोड़ा सा आप लोगों को आइडेंटिफाई करता जाऊं और अपनी जो मेरी अरेंजमेंट है और इसमें ऑर्डर क्या रहेगा वो भी आपको गाइड करता रहूं। तो इसको थोड़ा सा हम अभी टाइम है हमारे पास, बल्कि आज 12 बज गए, बस अभी कल करते हैं हम, ठीक है कल इसको करते हैं, काफी टाइम हो गया, बच्चे थक गए होंगे। कोई सवाल है तो आप लोग पूछो, एक मिनट में माइक आपका, हैंड रेज करो पहले। हाँ अदनान साबिर आप पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कल बात हो रही थी सर, एक स्टूडेंट ने आपसे बात की थी एमए पॉलिटिकल साइंस के हवाले से कि वो एडमिशन लेना चाहती हैं और आपने कहा था कि एडमिशन का प्रोसेस आपको पता है तो आप उनको इन्फॉर्म कर देंगे। तो सर मैंने पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा हुआ है और सर मेरी वैसे इन्वायरमेंटल साइंस में डिग्री है। आज तो सर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में एडवर्टाइजमेंट भी आई है सीनियर इंस्पेक्टर की। तो दूसरा सर मैंने लेक्चरर ज्योग्राफी के अंदर ऑलरेडी अप्लाई किया है। बात समझनी है, आपने क्या बात की है, जरा ऊंचा बोलें थोड़ा सा और बात को क्लियर करें। सर मैं कह रहा हूँ कि मैंने लेक्चरर ज्योग्राफी की भी के लिए भी अप्लाई किया हुआ है बीएससी ऑनर एनवायरमेंटल साइंसेज की बेस पे। हमें उन्होंने इक्वलेंसी का कहा हुआ है कि आप लोग इक्वलेंसी सर्टिफिकेट बनवा के ले आएंगे एचईसी की तरफ से। सर मैं चाह रहा था कि लेक्चररशिप की जो सीट है सर मैं ये यानी कि करना चाहता हूँ एमए पॉलिटिकल साइंस सर, अगर मैं कर सकता हूँ क्या मैं बीएससी ऑनर एनवायरमेंटल साइंसेज के बाद? हाँ आप कर, मेरा जब स्टेटस लगेगा तो मुझसे राबता कर लीजिएगा। जी ठीक हो गया सर। हाँ मेरे स्टेटस में मैंने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस आप लोग फॉलो कर कीजिएगा, मैं वैसे लगाता नहीं हूँ नॉर्मली, अगर कभी भी लगेगा तो उसको आप फॉलो कीजिएगा मेरा व्हाट्सएप स्टेटस। उसमें मैंने आपके लिए इंस्ट्रक्शन दी होंगी कि आप इस नंबर पर राबता कर सकते हैं जो लोग भी एमए करना चाहते हैं। जी ठीक हो गया सर। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा सर ये है कि पीपीएससी की सर अमूमन जो है वो एक पोस्ट जो आती है किसी भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंदर तो उसके लिए 3 चांसेस होते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि जो असिस्टेंट पोस्ट, मैं अदनान आपकी बात पहले क्लियर कर दूं, चांस आप में से किसी का कभी कोई जाया नहीं होगा। जी ठीक हो गया सर। जी ठीक हो गया सर। जी थैंक यू सर। थैंक यू। औरंगजेब अस्सलाम वालेकुम सर। शाहजी को पहले मौका दे दें, सैयद नादिर अली। शाहजी सैयद नादिर अली जी अस्सलाम वालेकुम सर। वाले सलाम जी सर, मैंने सीओ के पेपर के बारे में सर पूछना था कि वो कब तक एक्सपेक्टेड है। उसकी तो फिर एडवर्टाइजमेंट ही उन्होंने विड्रॉ कर ली थी। जी वो भी आएगी एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है। तो सर आप, सर वो दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा? दोबारा बिल्कुल अप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे। जी तो इसमें सर कितना टाइम लग जाएगा? अच्छा मेरे जो भी मेरे सेशन के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने ना आज के बाद कभी मुझसे ये नहीं पूछना कि इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है, और उसके बाद उन्होंने मुझे ये नहीं पूछना कि सर ये कब आ रही है, इसका पेपर कब होगा। ठीक है, आज के बाद किसी बच्चे ने ये सवाल मेरे से नहीं पूछना, और आप लोगों ने अपने जहन के ऊपर भी कंट्रोल करना है और किसी और से भी नहीं पूछना। आपने सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पर अप्लाई करना है जिन चीजों पर आप एलिजिबल हैं, और उसके बाद पीपीएससी का इंतजार करना है कि कब वो अपना शेड्यूल दे देता है, और उस शेड्यूल के मुताबिक अपनी प्रेपरेशन करते रहना है। कभी भी आपका माइंड आपको बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, वो कहेगा यार पूछ इसके बारे में सोच, तो हमारे पास वो टाइम अब बचेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा कोर्स लेंथी रहेगा, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने कोर्स के ऊपर
जो है वो फोकस करना है, हमने एक बारी अपनी प्रेपरेशन पूरी करनी है, उसके बाद जो जो सीटें आती जाएंगी हम अप्लाई करते जाएंगे, उनके इंटरव्यूज देते जाएंगे और लगते जाएंगे, और फिर उनमें से डिसाइड करेंगे कि यार हमने किस सीट के ऊपर रहना है, और फिर फर्दर हम उस सीट पर रहकर अपनी पीएमएस और सीएसएस की तैयारी करेंगे। हम हमारा फोकस स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए बस। जी सर, थैंक यू सर। जी औरंगजेब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम औरंगजेब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। औरंगजेब बात कर रहे हो आप? सलाम आ रही है? आवाज आ रही है औरंगजेब आपकी? औरंगजेब आपको आवाज आ रही है मेरी? मोहम्मद मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम सर, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मुदस्सिर भाई। सर जी मेरा क्वेश्चन था, जब आप पढ़ाएंगे नोट्स मेकिंग के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि किस तरह। चले चले, मैं फिर नोट्स तो आपको दिखा ही सकता हूँ, मैं नोट्स आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा ना। एक मेरे पास ना, मैं नोट्स मेकिंग के हवाले से आपको बल्कि एक चीज, ये मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही होगी आई थिंक, एक सेकंड मेरे पास ये देखें, ये एक मेरा ना बेस्ट स्टूडेंट है, मेरा फेवरेट स्टूडेंट है बिलाल आबिद, ठीक है? तो ये उसके नोट्स हैं कुछ, तो ये उसको मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये देखें ये उसका, अब उसकी राइटिंग थोड़ी सी है वीक, लेकिन मैंने उस आपको दिखाने के लिए कि भी उसने कैसे नोट्स बनाए हैं। तो फिर एक अदनान आबिद है इसी का भाई, उसने भी नोट्स बनाए हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ अब। और उसके बाद एक है नोमान, ठीक है जी? तो ये देखें, ये उसने ना ऐसे थंबनेल लगा के, फिर उसने पहले सबसे पहले टेबल जो है ना मेरी कोर्स ऑफलाइन के लिस्ट ऑफ जो है ना लेक्चर्स लगाए, लिस्ट ऑफ लेक्चर लगाए कि ये सर ने पढ़ा दिए। लिस्ट ऑफ लेक्चर लगाने के बाद उसने पूरा का पूरा ये, फिर उसके बाद उसने लेक्चर वन लिखा, फिर इस तरीके से वो नोट डाउन करता गया, और फिर उनको उसने पहले एक बार उसने रफ लिखा, फिर इस तरीके से वो नीट करता गया उनको, इस तरीके से वो नीट करता गया ऐसे, और फिर सारा अपना उसने जो है ये 796 पेजेस की उसने एक फाइल बना ली, लेकिन इसमें लेक्चर काफी उसके मिस हुए थे, ठीक है? और इसमें सिर्फ और सिर्फ 100 लेक्चर थे, तकरीबन आपकी 2-1000 पेजेस की जो है ना एक फाइल बन जाएगी, और जो है ना बेहतरीन जो है ना आपकी तैयारी हो जाएगी। उसमें कुछ मैप्स होंगे, कुछ आप लोग अपना जो मैं आपको दे रहा हूँगा, और बहुत सारी चीजें उसके अंदर ऐड होती जाएंगी, ये तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स हो जाएंगे आप लोगों के, इस तरीके से थोड़ा सा आपको आई होप के आइडिया आया होगा। और उसके बाद एक और अदनान के अगर मेरे पास पढ़े, चले मैं वो अदनान के भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है? अदनान ने एक बनाए हैं, फिर उसके बाद एक नोमान ने बनाए हैं, चलो मैं आपको एक अगर पढ़े, एक अच्छा ये आप लोगों को मैं इस्लामियात के दिखा देता हूँ। अच्छा इस्लामियात के हम लोगों ने दो तरह के नोट्स बनवाए हैं, इस्लामियात के, सॉरी आपको एक सेकंड में थोड़ा सा, इस्लामियात के ना दो तरह के नोट्स आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे, एक तो ये, एक सेकंड में आपको, एक होंगे वन लाइनर नोट्स, और ये वन लाइनर नोट्स प्रोवाइड करने का क्या मतलब है कि जब आप लोग इस्लामियात को कंप्लीट कर लेंगे तो आप पेपर से पहले आप लोगों को रेकमेंड किया जाएगा कि आप लोग ये इस तरीके से जो है ना ये पूरे के पूरे नोट्सों को ये वन लाइनर बनवाए हैं कि आप इनको रिवाइज करके जल्दी से जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 30 पेजेस हैं और 33 पेजेस हैं, और इनको आप इजीली जो है वो कर सकते हैं, यानी वन लाइनर है ये एमसीक्यूज जी आते हैं ये सारा कुछ, और ये आपने तरतीब से है मेरे लेक्चर की तरतीब से, ठीक है जी? मेरे लेक्चर की तरतीब से ये वन लाइनर आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है जी? और ये मेरे लेक्चर की तरतीब से आप लोगों को मिल जाएंगे। फिर दूसरी कौन से होंगे जी? दूसरे होंगे कि अब किसी बच्चे का इंटरव्यू आ गया, तो अब वो इंटरव्यू आया अगर, तो अब उसमें फिर उसने डिटेल लेक्चर जो है वो लेने पड़ेंगे उसको, वो भी 30 पेजेस पर मुश्तमिल है,
ठीक है जी, वो भी 30 पेज पर ऐसे लिखा होगा, डिटेल लिखी होगी, ठीक है जी। तो एक ये वाले लग, दो तरह के, और ये मेरे नोट्सों के होंगे, ठीक है जी। तो दो तरह के जो है इसमें ये इस्लामियात के आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है जी। तो मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से, आपने किस तरफ से, किस तरीके से बनाने हैं, तो वो मैं आपको एक और भी चीज दिखा देता हूँ। ये देखें इस तरीके से ना, ये पूरे के पूरे नोट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे। ये इंटरव्यू से पहले रेकमेंड किए जाएंगे कि आप लोगों का जब भी कोई इंटरव्यू होगा उससे पहले आप लोग ये फाइल पढ़ के जाया करेंगे, और इसमें सुलह हुदैबिया क्या है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या हैं, और उनकी मेरी वीडियोस भी अवेलेबल होंगी, छोटे छोटे क्वेश्चंस के क्या आंसर देने हैं उधर जाकर, और आपको डिटेल में भी इसके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको फिर एक नुमान है खुशाब से, अभी उसका 127 जी का भी टेस्ट क्लियर था, ये मेरा स्टूडेंट है, तो ये भी बना रहा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसके नोट्स। तो ये थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लग रही है उसकी, ये जॉब करता है CTI में अभी फिलहाल, इसकी यानी सिलेक्शन नहीं हो पाई, तो ये बना रहा है। ये इस तरीके से ये मेरे नोट्सों के वन लाइनर बनाता है, कि यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला लेक्चर होगा यूनिवर्स, तो इसने ये इस तरीके से बनाए हुए हैं कि यूनिवर्स में स्टडी ये, तो वो सर ने इस तरीके से पढ़ाया, ठीक है। तो ये आपको उस बच्चे ने इस तरीके से मेहनत की है, पूरा का पूरा वो पहले रफ बनाता है, उसके रफ बनाकर वो अपने लिए टाइप करके रख लेता है इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये उसने कुछ नोट्स जो हैं वो बनाए हैं, ये इस तरीके से ना, सोलर सिस्टम, ये सारा का सारा उसने पूरे के पूरे इस तरीके से उसने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको मॉडल के तौर पर उसके भी थोड़े से दिए जाएंगे कि यार आप देख सको और आप अपने नोट्स बिल्ड कर सको, ठीक है। लेकिन मैं ये आपको कभी भी नहीं दूंगा नोट्स, वजह क्या है, मेरी मेरी कोशिश ये है कि आप लोग खुद बनाएं, आप लोग खुद बनाएं, किसी के नोट्सों के ऊपर मजा बड़ा आएगा, देख कर खुश हो रहोगे, हाय हाय वाह यार वाह, सर ये दे दें, सर ये दे दें, सर ये तो दे दें, सर ये तो दे दें, को नहीं कुछ होना, याद करना, नोट्स अच्छे होने से क्या है, अच्छे हैं ठीक है, वाह जी वाह, उसकी तारीफ करो, नुमान की तारीफ करो, वाह नुमान भाई बड़ी मेहनत की है, मैं इससे बेहतर बनाऊंगा, मैं बेहतर काम करूंगा, ये अप्रोच होनी चाहिए, उसके नोट्सों से इंप्रेस हो, लेकिन बनाने अपने हैं, इससे अच्छे बनाऊंगा, सर को भेजूंगा, सर फिर मेरे नोट्स ऐसे दिखा रहे होंगे अगले सेशन में, समझ आ रही है बात की? हाँ जी सर। सर मुझे आपकी वो बात बड़ी अच्छी लगती है, वो जब आपने कही थी यूट्यूब पे लेक्चर में के जब मैंने पहली दफा पढ़ाना है तब आपने नोट्स नहीं बनाने, सेकंड टाइम जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनमें से आपने दूसरी दफा देख के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो सर वो ये है कि जब आप पढ़ा लेंगे, एक मिनट आप रुके यार, मुझे पहले डिस्कस कर लेने दें, एक सेकंड रुके आप लोग, ठीक है। ये इस तरह के एक ये नोट्स हो गए, फिर मैं उसके बाद एक सेकंड मैं आपको सॉरी यार, फिर ये इंडो पाक के ये अजीम साहब ने जो है वो कंपाइल किए हैं इकरा बिलाल की तरफ से, अजीम साहब ने, तो ये भी इकरा बिलाल के आपको मिलेंगे हमारे लेक्चर के हिसाब से, ये इस तरीके से होंगे, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा आपको सिविलाइजेशन से शुरू होकर जो है, और कुछ बच्चों ने जो PMS वाले हैं और CSS वाले हैं उन्होंने भी मेरे लेक्चर के नोट्स बनाए हैं, तो वो इंग्लिश में है टोटल, तो वो अगर किसी बच्चे को किसी स्पेसिफिक टॉपिक के चाहिए होंगे हेल्प के लिए, सिर्फ एक दो टॉपिक्स के, तो जैसे हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टाइन का जो है, एक सेकंड अगर मैं देखता हूँ मेरे पास अवेलेबल है, यानी उन्होंने मेहनत की है थोड़ी सी बच्चों ने, मैंने एक आप लोगों को पता है कि मैंने एक लेक्चर आप लोगों को दिया था हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टाइन का, तो वो मेरा यूट्यूब पर भी पड़ा है, आप लोगों में से अक्सर मेरा ख्याल लोगों ने देखा होगा वो, एक सेकंड, यार ये तुम्हारी एनोटेशन बंद करनी पड़ती है, डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स।
ये उस बच्चे ने बनाए हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर अगर आपको मेरी स्क्रीन आई होप नजर आ रही होगी, ये उसने मेरा एक लेक्चर कवर किया है, तो थोड़ा सा उसने उर्दू में भी लिखा है इसमें बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको पता है मेरा हिस्ट्री ऑफ फलस्तीन का एक लेक्चर है, तो ये उसने शुरू किया हिस्ट्री ऑफ फलस्तीन का, ये उसने इंग्लिश में थोड़ा सा उसने अपना थीसिस वगैरह लिखा है, जो भी वो कर रहा था उसने सारा कुछ किया, फिर उसके बाद इस तरीके से वो ना उसने कंप्लीट किया। तो आपको ये मैं मॉडल के तौर पर उस बच्चे का जो है ना ये इस तरीके से उसने मैप्स लगाकर बेहतरीन तरीके से ये हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टाइन वाला मेरा यूट्यूब पर जो लेक्चर पढ़ा है आप लोगों को पता है, ये उसके नोट्स उसने बनाए हैं बेहतरीन करके ना, पूरा का पूरा जो उसने पूरा का पूरा बनाया है, हर चीज को कंप्लीट किया उसने। तो पीएमएस वाले और सीएसएस वाले कैंडिडेट्स हेडिंग्स वगैरह बनाकर बेहतरीन करके उसने ना कंप्लीट किया। तो ये इस तरीके से ये करंट उसने करंट स्टेट जो है फलस्तीन के अंदर ये सारा का सारा ये उसने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको अगर कुछ दिखा सकूं, ये हाँ रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर भी बल्कि उसने बनाया था, ये देखें, ये मैंने जो रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड भी आपको पता है मेरे यूट्यूब के ऊपर पढ़ा है लेक्चर, तो ये उसने पूरा कवर, कुंभ मेला के बारे में जो मैंने बताया ये सारा उसने इंग्लिश में ना, इस्लामियात अगर जो इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाहते हैं पीएमएस के अंदर, तो ये सारा का सारा देखें ये उसने बनाया मेरे लेक्चर में से, उसने कन्वर्ट किया है उसको ना इंग्लिश में, मैं तो थोड़ा सा उर्दू में बात कर रहा होता हूँ, तो उसने पूरा का पूरा उसको कवर अप किया है। तो नोट्सों के अंबार है, लेकिन मैं नहीं नोट्सों के ऊपर बिलीव करता बिल्कुल भी, मेरा बिलीव ही नहीं है, तो मैं ना प्रोवाइड करता हूँ, मैं आपको मोटिवेट करूंगा नोट्सों के लिए, और जो है मैं कोशिश होगी मेरी कि मैं आप लोगों को जो है वो करूं। तो मैं इनको इंशाल्लाह मैं कल आपको ना बेहतरीन करके ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। नोट्स मेरे पास बहुत सारे हैं और बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स हैं, ऐसे ऐसे कि आप मुझे उन नोट्सों के लोग कहना शुरू कर देंगे सर मेरे से 50,000 ले लो, क्योंकि नोट्सों के तो आप पागल हो शदाई हो, तो लोग मुझे बहुत कहेंगे, लेकिन मैंने कभी भी नहीं दिए, मैं मुझे जो बाहर से कहते हैं मैं उनको फ्री दे देता हूँ कि लो और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दो, क्योंकि इन नोट्सों का तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होना, किताबें इतनी अच्छी अच्छी पढ़ी हैं कौन पढ़ता है। हाँ जी कोई सवाल है तो अब लोग आप पूछो, हैंड रेज करो। हैंड रेज करो और रेज करो, कोई और नहीं सवाल किसी के जहन में, सब को चुप हो गए हो। अली भाई है, टीचर हैं खुद भी, तो थोड़ा सा अली भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर एक ऐसे है, मैंने ना अभी ये रिसेंटली एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का एफपीएससी में टेस्ट दिया था, तो उसमें 20 नंबर का उन्होंने लिखा हुआ था सिक्योरिटी मेजर्स, कि आपने सिक्योरिटी मेजर्स के रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो तैयार करने हैं, तो उसके रिलेटेड मैंने काफी इधर उधर से डाटा, 2-4 बुक से भी डाटा इकट्ठा किया, और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा तौर पर उनका जो एक्ट है एएसएफ एक्ट वो भी तैयार किया, कि ऐसा ना हो गए 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन वो एएसएफ के एक्ट में से उठा के दे दे, तो उसका भी कोई ना कोई फायदा हो जाए, तो एक तरह की एक्स्ट्रा एफर्ट की, और मैंने एफपीएससी से कांटेक्ट भी किया, उनसे भी पूछा कि आपने ये टॉपिक लिखा है तो इससे मतलब क्या ले रहे हैं आप, तो उन्होंने जो भी गाइड किया उसके हवाले से मैंने डाटा कलेक्ट किया, लेकिन जब मैं पेपर में गया हूँ ना एफपीएससी में, इस दफा भी ये रिसेंटली 2 माह पहले पेपर हुआ है, उन्होंने पुलिस ऑर्डर उठा के दे दिया, वहां पे पुलिस एक्ट में से क्वेश्चन उठा दिया जो कि टोटली इररेलेवेंट था। अब क्वेश्चन मेरा ये है अभी क्वेश्चन मेरा ये है कि अगेन अभी फिर से उसकी दोबारा वैकेंसी आई थी, और एएसएफ में एडी और इंस्पेक्टर का अगेन आई थी वैकेंसी, तो उसमें मैंने अप्लाई किया था, तो उसका अगेन दोबारा फिर टेस्ट होने वाला है, अभी ये नेक्स्ट फेज में हो जाए या 1 मंथ बाद 2 मंथ बाद कभी भी हो जाए, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि वो जो 20 क्वेश्चन है उसके लिए अब क्या किया जाए। छोड़ दें। अच्छा सब भी उसके लिए, यानी कि बस जिसमें से जो कोई बहुत ही आसान आ जाए तो बस बंदा अटेम्प्ट कर ले, और बाकी उनको तुक्के मार दे। एफपीएससी में कौन सा नेगेटिव मार्किंग होती है। जी सही है, बस यही क्वेश्चन था मेरा आपसे। अच्छा साजिद अली, साजिद अली साहब
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम साजिद भाई। सर मेरा नाम साजिद अली है और मैंने एमफिल फिजिक्स किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से। सर आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है साजिद भाई। और सर मैं रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद से बिलोंग करता हूँ। सर मैंने एक साल जो है ना बस एसटीआई की जॉब की है, तो दो तीन मैंने टेस्ट दिए थे वैसे, मतलब बगैर तैयारी के, कोई खास तैयारी नहीं की थी। सब इंस्पेक्टर का भी टेस्ट दिया था, सर वकास वाले नोट्स मंगवाए थे किसी दोस्त ने, फिर वहां से कॉपी करवा के बस रट्टा ही मारा था सर उसको। तो रट्टे में तो फिर कुछ नहीं होता। और सर जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ है एक साल में, तो मुझे फील हुआ है बड़ी शिद्दत के साथ कि मुझे वन पेपर की तैयारी करनी चाहिए, उसके अलावा जो है ना और कोई रास्ता है नहीं। तो इसलिए फिर जो है ना मेरे एक सीनियर है और मतलब समझो बड़े भाई है अब्दुल शकूर, जिनका आपने नाम भी लिया था अभी, तो उन्होंने मुझे जो है ना हाईली रिकमेंड किया कि मैं आपकी जो है ना अकेडमी ज्वाइन करूँ। तो इसलिए जो है ना मैंने फिर तैयारी के लिए आ गया हूँ। शकूर मेरा बेटा है, माशाल्लाह अभी जेल पुलिस के अंदर जॉब कर रहा है वो, मेरा बहुत बहुत, उसका भी एमफिल फिजिक्स है। मेरा ख्याल आपका क्लास फेलो होगा सर। वो मेरा सीनियर था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जो है ना फुल सपोर्ट किया था उन्होंने हमें हर तरह से जो है ना। काफी शुक्र बहुत बहुत। मेरे पास वो रहा है तकरीबन एक साल रहा है मेरे पास, और बहुत अभी अभी रिसेंटली गया है वो, और मेरा बहुत करीबी है, मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरी बहुत इज्जत करता है, मुझे बहुत उससे मोहब्बत है। और साजिद बल्कि आपके नाम कर रहे हैं, रहीम खान का एक बच्चा है उसका, वो साजिद जो है वो जो आपको मैथ पढ़ाएगा वो इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियर है, और उसका तहसीलदार का भी टेस्ट क्लियर था और असिस्टेंट एसेंट गाइड का भी टेस्ट क्लियर था, उसके काफ़ सारे टेस्ट भी क्लियर हो रहे हैं, वो भी मेरा स्टूडेंट है और बहुत बहुत ज़बरदस्त साजिद बच्चा है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे बच्चे गाइड करेंगे। सर एक मैं जो है ना एडवाइस करूंगा जो बाकी मेरे दोस्त हैं उनको, अगर आप इजाजत दें तो सर। जी सर वो एडवाइस ये है कि मुझे ना जब मेरी एमएससी कंप्लीट हुई थी तो मुझे शकूर भाई ने कहा था कि आप एमफिल ना करो, आप दो साल अपने आप को पीछे ले जाओगे, एमफिल का आपको फायदा नहीं होना इतना खास, 5,000 का अलाउंस ही लगना है, या पीएचडी करनी हो तो फिर आप करो। तो बस मुझे उस टाइम समझ नहीं आई, दो साल वो जाये किए मैंने, एक साल समझो ये मैंने जाये किया, 2021 में मेरी एमफिल कंप्लीट हुई है। तो जो दोस्त मेरे जो है ना अभी ज्वाइन किया है उन्होंने सेशन, वो बहुत ज्यादा लकी हैं, उनको मुबारकबाद है कि उनको जल्दी समझ आ गई है। और सर मैं यही कहूँगा, आपने भी उनको कहा है कि भाई मास्टर जो है ना बहुत ज्यादा तालीम है, 16 ईयर एजुकेशन बहुत इनफ है, तो बजाय इसके दो साल और ज्यादा वेस्ट करें एमफिल में, उनको जल्दी जल्दी पीपीएससी की तरफ आ जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो बच्चों को यही कहता हूं कि बीए के बाद। जी जी अब देखिए सर फिजिक्स मतलब एमफिल फिजिक्स है, तो एमफिल फिजिक्स के पीपीएससी में क्या करें, एक एमसीक्यू दो एमसीक्यू आते हैं। सही बात। और फिर जो बैकवर्ड एरिया से जो लड़के होते हैं उनको काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना होता है कि यार इस बच्चे ने एमफिल किया हुआ है, इससे टेस्ट नहीं पास हो रहा, 18 साल एजुकेशन का क्या फायदा है। तो बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, हम एमफिल जो कर लेते हैं, हम पीएचडी जो कर लेते हैं, वाकई ही मैं समझता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे एमफिल जुड़े हुए हैं और मैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन बात जो जेन्युइन है, जो सीधी है कि हम लोगों ने गलतियां की हैं, जिन लोगों ने भी एमफिल किया है उन्होंने गलतियां की हैं, क्योंकि बीए के बाद भी नौकरी ढूंढनी थी। मैंने अब देखा है कि अब लोगों के अंदर थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ रही है, हम क्योंकि थोड़ा सा साउथ पंजाब के जो लोग होते हैं, थोड़ा सा हमारे पास उस तरह से रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, हमारे पास उस तरह के एजुकेशन सिस्टम नहीं है और उस तरीके से गाइड नहीं किया जाता हम लोगों को शायद, और शायद जो है हम खुद भी थोड़ा सा पैसिव होते हैं, तो इस वजह से जो है ना कुछ इन तमाम चीजों का मुरक्कब बनकर जो है ना हमारा, हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, नो डाउट हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, हमारी अपनी गलतियों की वजह से, अपनी कोताहियों की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो लेकिन मैं अब ये देख रहा हूँ कि ट्रेंड चेंज हो रहा है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएस के अंदर एडमिशन लिया है और वो दो साल के बाद यूनिवर्सिटी से बीए का इक्विवेलेंट डिग्री बनवाकर पीपीएससी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और अगले दो साल में वो अपना बीएसपी कंप्लीट कर रहे हैं और साथ में जो है वो पीपीएससी के टेस्ट भी दे रहे हैं। तो ये ट्रेंड आता जा रहा है और इंशाल्लाह आप लोगों ने ही, ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपके रिश्तेदार, जो आपके भाई, जो आपके दोस्त,
जो आपके हल्का अहबाब के लोग जो भी लोग हैं उनको अवेयर करना कि यार एमफिल ना करो पीएचडी ना करो, कम से कम आप जो है आपके ऊपर ये ना हो हुज्जत ना हो कि यार अगर आप जलील हुए तो आपने किसी को जलील होते देखा है, किसी को मिसगाइडेड देखा है, तो आपका हक बनता है कि यार उसे गाइड करो कि यार करना बाद में भी ये है, क्योंकि मिडिल क्लास बंदे के लिए और अपॉर्चुनिटी है क्या? अगर हम कहें कि हम अमेजोन कर लेंगे, हम ऑनलाइन अर्निंग कर लेंगे, तो उसके लिए भी तो 2-3 साल ज़ाया हो जाते हैं और उसके बाद जो है फिर भी कोई पता नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि पहले जॉब ले लो, जॉब लेने के बाद फिर अमेजोन पे जाओ, ऑनलाइन अर्निंग करो, जो मर्जी करो, कम अज़ कम किचन से वो हम लोगों का और हमारे जो वालदैन की एक्सपेक्टेशन है वो भी हमारी पूरी हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि ये जो ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग का एक सैलाब आया है इसके अंदर हमें नहीं बहना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए, हमें भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए और जो जो स्किल्स हैं, वीडियो एडिटिंग की स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है, ये तमाम बहुत अच्छी स्किल्स हैं, लेकिन ऐसा ना हो ना कि घर वालों से 40-50 हज़ार लाख रुपया इन्वेस्ट कर दें और फिर हम वहीं पर खड़े हों और कंसिस्टेंसी जो है वो हमारे अंदर ना हो तो फिर हमारा वो भी वक्त ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए जो आपने 16 साल तालीम हासिल की है, 14 साल तालीम हासिल की है, उसके तरीके से कोई मिडिल क्लास जो भी फैमिली का बंदा है तो उसको सबसे पहले कोई जॉब लेनी चाहिए और फिर इस तरीके से आगे मूव करना चाहिए। ये आपकी राइट अप्रोच है मेरा ख्याल है, बाकी आप अपने करियर के हवाले से, अपने फ्यूचर के हवाले से बेहतर सोचें और लाजमी अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ आना चाहते हैं, हाँ आप लोगों को लाजमी इस तरफ आना चाहिए। क्या क्या साजिद भाई, मशवरा ये लेना था कि अब जो है ना अगस्त में सेशन स्टार्ट होंगे तो एक दो कॉलेजेस ने ऑफर कराई थी मुझे, तो मुझे क्या अब उनकी तरफ जाना चाहिए या मुझे एक साल पीपीएससी को प्रॉपर देना चाहिए आपके सेशन के बाद? ये तो आपकी अफोर्डेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पूरा का पूरा फोकस करके अगर आप दे सकते हैं एक साल तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं है, इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। और अगर नहीं कर सकते तो फिर यही है कि मैं जो है कुछ बच्चे इस तरीके से हैं, अब इरफान में बल्कि सरगोधा से मिसाल दूंगा, इरफान का सब इंस्पेक्टर जो है पंजाब पुलिस क्लियर है, उसके बाद जो है इरफान का एफआईए के अंदर सब इंस्पेक्टर क्लियर है, एएसआई क्लियर है, कांस्टेबल क्लियर है और भी उसके जो भी टेस्ट आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके क्लियर हो रहे हैं और वो साथ में ट्यूशन भी पढ़ाता था, ठीक है, उसने सारी की सारी फीस ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर मुझे दी है, खुद भी वो टीचर है और सारा दिन वो मेहनत करता है, फिर उसके बावजूद उसने अपनी तालीम भी की है और अभी भी वो मेरे साथ सेशन में जुड़ा हुआ है और अभी भी पढ़ रहा है वो, यानी लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है। तो ये तो एक जो है ना कंटिन्यूस जर्नी है, तो ये एक जर्नी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे कि लगे रहना है, मेहनत करते रहना है, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंचने की कोशिश करनी है, बात ये होती है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं फिर तो एक साल जो है पूरा का पूरा डेडिकेटेडली आपको देना चाहिए और मैं समझता हूं कि बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, आपके बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन पूरा फोकस चाहिए होगा, पूरे दिमाग की एनर्जी चाहिए होगी, पूरा का पूरा अटेंटिव होकर बैठना पड़ेगा आप लोगों को, तो फिर ही आपका जो है ना काम होगा। थैंक यू सो मच सर। जी मैं जो है बहुत ज्यादा इसमें शुक्रिया अदा करूंगा जो मेरे बच्चों ने मेरे जितने भी नोट्स हैं वो मेरे तमाम मेरे सेशन के बच्चों ने ही मुझे दिए हैं, आप लोगों के लिए बनाए हैं और मैं उन तमाम आसिफ साहब सेक्रेटरेट से हैं, पीएस होते हैं, मेरे स्टूडेंट हैं 4th सेशन के 5th सेशन के और 6th सेशन के अंदर भी हैं, तो आसिफ साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया और उनका शॉर्ट हैंड और उसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लॉयर भी हैं वो वैसे, तो उसके अलावा अजीम साहब हैं, उसके अलावा दुलकर नैन है, बहुत ये सारे बच्चों की मेहनतें हैं, काफ़ी सारे 50-60 बच्चों ने मिलकर जो है आप लोगों के लिए डिफरेंट टाइप के नोट्स प्रोवाइड किए हैं और टेस्ट वगैरह आप लोगों के लिए मुझे बनाकर देते रहते हैं, तो आप लोग ही मेरी टीम हो, आप लोग ही यानी हम आपस में जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, लेकिन मैं नोट्स इसलिए नहीं देता आप लोगों को कि आपकी मैं क्रिएटिविटी को मारना नहीं चाहता, अपने नोट्स खुद बनाओ, अपनी क्रिएटिविटी खुद लाओ, अपने खुद चीज़ को बेहतर करो, पता चले थोड़ा सा जान मारो, पूरे की पूरी मेहनत करो, पता लगे कि कोई काम हुआ है, ठीक है, अब 2 घंटे हो गए डेली आप लोग कहोगे 3-3 घंटे सरखा हो जाता है, ठीक है, तो ठीक है जी, ओके, आपको बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह फिर हम कल कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर लेंगे, आपको आइडिया समझ आ गया होगा कि मैंने कोर्स कंटेंट डिस्कस करने हैं, फिर उसके रेलिवेंट जो मेरे पास चीजें हैं मैंने वो आपको दिखानी है और फिर हमारा सेशन आपको पता चल जाएगा, अच्छा यार ये है ये, और इस तरीके से जॉब्स लगती है और मैं डिफरेंट कंपोजिशंस को डिस्कस भी करता रहूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि माइक ऑन रखूं, लेकिन आप लोगों ने इस चीज का ख्याल लाजमी करना है कि ऐसे माइक खोलकर दरमियान में मुझे इंटरप्ट नहीं करना और बात नहीं करनी, कहीं पर मैं कोई चीज अगर मिस कर जूं तो मुझे याद दिलाने के लिए कर सकते हो, सर ये इसके लिए भी तो है,
तो इस तरीके से अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वरना मैं कोशिश करूंगा खुद से ही सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन करता जाऊं इंशाल्लाह, बेशक वो 3 घंटे का लेक्चर बन जाएगा या 4 का, जितने का भी बने। ठीक है जी, आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।